हेलो गाइस, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत पर रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रतिशत का जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और इसको मैं बहुत सारे पार्ट में बताऊंगा। टोटल 11 पार्ट में क्वेश्चन आएगी आपके एग्जाम में और 11 पार्ट के बाद एक पार्ट और, यानी कि 11वां पार्ट जो विविध होगा वो भी बताऊंगा। और बेहतरीन क्लास होगी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक विशेष एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं, आपको ऑल टू ऑल कोई भी एग्जाम है आप अच्छे से मेरे साथ पढ़िए, आपका एग्जाम में नहीं बनेगा सवाल, ऐसा होने हम नहीं देंगे। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक का बटन होगा वो लाइक जरूर दबा दीजिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी जल्दी लाते हैं। और शेयर करना बहुत जरूरी है, शेयर नहीं करते हैं जो लोग शेयर नहीं करते हैं बहुत दुख की बात है, क्यों नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आपका जो है इस चैनल को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। तो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और सभी व्हाट्सएप फेसबुक जहां जहां आपका ग्रुप दोस्त साथी जितना है सब जगह फैला दीजिए इसको, ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए और जिन्हें भी अच्छा लगेगा पक्का वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ और आगे भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, पहले वो देख लो। देखो क्वेश्चन आपके टाइप स्क्रीन पे दे रहा हूं, यानी कि अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार में देखो लिखा गया है कि प्रतिशत अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 11 प्रकारों में बांट सकते हैं। 11 तरह का यहाँ बांटा हुआ है। आपका पहला टाइप देख लो लिखा हुआ है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, दूसरा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, तीसरा है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, चौथा है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, पांचवा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, छठा चुनाव पर आधारित प्रश्न, सातवां मिश्रण पर आधारित प्रश्न, आठवा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, नौवां है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दसवां है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न और 11वां विभिन्न प्रश्न का मतलब हर टाइप का प्रश्न यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपका एक कॉपी में ये संग्रहित रहे और आप एग्जाम के दौरान इसको आसानी से इसको क्या करें रिवीजन कर पाए। तो चलिए अब हम लोग पहला टाइप पे देखेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन एक साथ आएगा, 5 क्वेश्चन पहले आएगा, उस 5 क्वेश्चन को मैं डील करूंगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहता है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप 5 क्वेश्चन को देख रहे होंगे, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं विधि बताऊंगा और एक नहीं दो ट्रिक से बताऊंगा, दोनों ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक वे में तो आप खुद बना लोगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होगा। इस तरह के क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है देख लीजिए किस तरह की बातें लिखा रहता है, हर क्वेश्चन का लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग अलग रहेगा लेकिन ट्रिक एक ही लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, घबराना नहीं है, हर तरह अच्छे से पढ़ो, हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हम आपको बता देंगे लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताएंगे ये क्वेश्चन किस बुक का है, कहां से हम लिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो चूंकि कमी वाला आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो हम लोग कमी वाला ही जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है सीता और गीता, तो पहले हम लोग सीता लिख लेते हैं और फिर हम लोग गीता लिख लेते हैं और इन दोनों का तुलना करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी परसेंटेज की बात करें, जब भी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की बात करें तो आपको 100 मान के चलना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की कुछ आय तो लेंगे तभी तो 10% कम कर पाएंगे। तो हम गीता की आय को मान लेते हैं 100, गीता की आय कितना मान लिए 100 मान लिए और 10% कम है, किसका, गीता की आय से, इससे 10% कम है। तो इससे 10% इसको कम करने आता है, 10% कम करने का मतलब हम आपको बताए होंगे कभी और बताएंगे, एक चीज बता देते हैं, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो इकाई अंक के बाद दाहिने तरफ से इकाई अंक के बाद दशमलव देना, सोचना यहां पर दशमलव दे रहे हैं तो कितना बनेगा 10 बनेगा, इसका मतलब 10 कम है। तो 100 में 10 कम करोगे तो कितना आएगा 90, ये आ गया यहां तक, पहला लाइन हम काम कर दिए, ये कॉन्सेप्ट से सीख रहे, ट्रिक से भी सिखाऊंगा, बस देखते जाओ आगे, देखो क्या कहता है, बताइए गीता की आय, अब बताना आपको ये है कि ये जो गीता है इसकी आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, इससे ये कितना परसेंट अधिक है, व्हाट परसेंट अधिक, ये हमको बताना है।
ठीक है। आप कहोगे सर इधर से 10% कम हुआ तो इससे ये 10% अधिक है, जी नहीं, अगर 10% अधिक करेंगे किसी भी संख्या का 10% निकालने, क्या बताए थे, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या 90 में 9 जोड़ने से 100 मिलेगा, नहीं ना, इसका मतलब 10% अधिक आप नहीं बोल सकते हो, 10% अधिक आप नहीं बोल सकते हो, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। और मुझे पता है 90% बच्चा सोच रहा होगा कि सर इससे ये 10% कम है तो इससे 10% अधिक होगा, ऐसा रूल नहीं होता है बाबू, ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर परसेंटेज का रूल थोड़ा अलग होता है तो इससे ये कितना परसेंट अधिक है वही निकाल के दिखाएंगे आपको, समझो। तो सबसे पहले समझो किससे ये है कितना अधिक, ठीक है, तो परसेंटेज अधिक की बात कर रहा है अगर वो हमसे, तो हम कहेंगे सर 90 से ये जो 100 है 10 अधिक है, कितना अधिक है 10, ठीक है, किससे अधिक है, किससे 90 से कौन अधिक है, किससे तुलना कर रहे हैं, इससे तो आधार का काम ये कर देगा आपका 90 अगुना 100 कर दो, ये आपका सॉल्यूशन होगा, इसको 0-0 कटा लो और हो जाएगा आपका 100/9, ठीक है, और 100/9 को भाग लगा दो, किससे भाग लगाओ 9 से, तो 11 99 1/9 इतना परसेंट अधिक है आंसर होगा। दूसरी बात आप देखो 10% आप बोल रहे थे ना, 10% 99 हो रहा था, ठीक है, 99 हो रहा था 10%, और थोड़ा सा कम हो रहा था, कितना कम हो रहा था, एक कम हो रहा था, इसका मतलब 10% से थोड़ा सा अधिक, देखो 11.9%, ठीक है, आपका ऑप्शन अगर इस तरह से दे, थोड़ा लंबा लंबा दे, 11 दे, 21 दे, इस तरह से, तो आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ 9 अधिक है, इसका मतलब 10% से थोड़ा अधिक, तो भाई आंसर मार देंगे, आसान लगा। अब एक ट्रिक और बताते हैं, अगर इसका ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या कहता है कि जब भी अधिक वाला बात बोले या कम वाला, यहां तो क्वेश्चन में कम वाला बता रहा है, तो इसका ट्रिक होगा x/100 - x × 100, एक्स ये माइनस किस लिए, जानते हो कमी के कारण, लेकिन अगर वृद्धि रहेगा तो इसी में यहाँ पे प्लस देना पड़ जाएगा, अगर वृद्धि रहेगा, लेकिन आपको फिलहाल अभी कमी दिया, इसलिए ये ट्रिक आपको अपनाना है, x/100 - x × 100। अब देखो x की बात हम कर रहे हैं तो x कौन होगा, तो एक ही तो अंक बोला है क्वेश्चन में 10% कम है, तो आपको 10% कम वाली ये आपको देखना है, कम ना लेस, ठीक है, यानी कि माइनस की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 10/100 - 10 × 100, ठीक है, 10 = 10/90 × 100 होगा, 0-0 कटा लो, 11.1/9% कमी अधिक, क्योंकि हमको तुलना जब कर रहे थे तो हमको बोल रहे थे कितना अधिक है, जब यहाँ कमी तो यहाँ अधिक होगा, और जब यहाँ अधिक तो यहाँ कम होगा, सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप बना के देखो, बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई जान नहीं है, धैर्य रखिए, हम हर तरह से आपको बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य में 20% क्या हुआ, घट गया, तो घटेगा मूल्य, तो मांग में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, आदमी ज्यादा खाएगा, ज्यादा उपभोक्ता क्या करेगा, व्यय करेगा ज्यादा, तो देखो 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी कि जितना खर्च कर रहा था पहले उतना ही खर्च करेगा, कितना वो अधिक प्राप्त करेगा, बात वही है, क्या कर रहे, अगर दुकान आप मान लीजिए 1 kg पैसा लेके गए, 1 kg का पैसा 40 रुपया kg चीनी मान लेते हैं, गया दुकान और 1 kg चीनी लाया 40 में, उसका मंथली जा रहा था, अब क्या हुआ, गया एक दुकान और वहां पर क्या हुआ कि दाम घट गया, ठीक है, मान लेते हैं कि 30 रुपया हो गया, तो वो क्या किया 40 का चीनी ले आया, ठीक है, यानी कि 40 का चीनी ले आया और क्या किया, उस चीनी की खपत बढ़ा दिया, एक के महीना चलाना है, अगर वो एक टाइम चाय पी रहा होगा तो 2 टाइम चाय पिएगा सुबह शाम, हो सकता है 3 टाइम भी पी ले बीच बीच में, ठीक है, तो मायने रखता है कि आप सोचते किस ढंग से, तो चीनी का मूल्य में 20% बढ़ गया, तो 20% घट गया अभी घट वाला है, तो घटने का मतलब क्या हुआ, 20/100 - 20, सबसे अच्छा ट्रिक क्या बताए थे, ax/100 - x × 100, कमी वाला ये आपका ट्रिक है इसका, और ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 20/80 × 100, 20 × 80 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25% आपका आंसर होगा, और 25% व्यय क्या करना होगा, अधिक करना पड़ेगा, 25% आप बढ़ा दो, आपका वही टाइम पीरियड में चीनी खत्म होगा,
दूसरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन तीसरा भी आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप तीसरा पढ़ो और सीधे इस ट्रिक पे लगा देना, क्योंकि एक ही देखो जब भी एक ही परसेंट का बात करें समझना कि ज्यादातर 99% चांसेस होती है कि यही ट्रिक लगेगा। देखो तीसरा नंबर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, 20% कम बोल रहा है ना, तो 20 बटा, अब देखो कम का मतलब क्या, 100 में कमी तो कितना करोगे 80 लिखोगे और गुना 100, ठीक है, 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी कि 25% अधिक हो जाएगा, कम है तो, यानी कि 20% कम है, बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ ना हो ना हानि हो, 25% लाभ पे यानी कि अधिक पे बेचना है जो कि ना लाभ ना हानि होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका बन चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। अब देखो कम कम वाला वही ट्रिक लगाना है, माइनस वाला कितना कम है, 50% कम है, यानी कि 50/100 - 50। अब डायरेक्ट क्या घटा के नहीं लिखोगे, 50 एग्जाम में घटा के डायरेक्ट लिखना कोई दिक्कत नहीं होगा, गुना 100, 50/50 × 100, एक बार में घटाएगा तो 100%, यानी कि 100% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ जाओ क्या कहते हैं, 50 कम थी तो ज्ञात कीजिए कि करीम करीम नाम है और रहीम से कितना परसेंट अधिक है, तो 100% अधिक है, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है ही, तो आप पढ़िए और बनाइए, खुद बनाइए। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 30% कम हो गई दो राशियों के गुणनफल में, तो दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, वही बढ़ाने का काम कर रहा है, जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, तो आप क्या करोगे 30 बटा, ठीक है, कमी हुआ है कि वृद्धि, कम अभी कम वाला पढ़ रहे थे, 100 - 30, हाँ कहोगे सर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, बिल्कुल अभी जस्ट इसके बाद दिखाऊंगा ना वो सवाल, अब बटे 130/100 - 30 घटा लो 70 × 100, सॉल्व करो आंसर पाओ, देखो 0 0 कटा लो, 300/7 ले आओ, 7 से भाग दे दो, 7 × 28 = 29 + 30 = 7 × 14 = 6/7, 42.6/7% आपका आंसर होगा, और आप क्या कहोगे इसको शुद्ध शुद्ध प्राप्त होगा, यही आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो पांचों क्वेश्चन के बाद दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप में कहता है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, क्या क्वेश्चन वही है ना, सिर्फ क्या बोला है वृद्धि। अब पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, याद कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। चलो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसको कैसे बनाओगे, टाइप टू की बात अगर हम करें तो बोल रहा है राम और श्याम, तो पहले राम लिखो उसके बाद आप श्याम लिख दो, लिख दिए, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, इससे ये 20% अधिक है, तो इसको पहले 100 तो मान लो, परसेंट में हम 100 मानेंगे हमेशा, अब इससे 20% अधिक दे दो, 20% अधिक किसी भी संख्या का, अगर 10% निकालेंगे तो इसका 10% 10 निकलेगा, तो 20% कितना, तो 120। और एक बात बताते हैं, 100 का कितनों परसेंट बोले, 100 का 5% 6% 7% वही होगा, अगर हम बात बोले कि 100 का 8% लो तो 8 ही लाना, 100 का 10% लो तो 10 होगा, 100 का 20% बोलेंगे तो 20 होगा, सिंपल सी बात है। तो 100 का 20% क्या बोला है, अधिक है, किसकी है, राम की है, किससे, श्याम से, तो 10% तो 10 होता है, 20% 20 होता है, ऑलरेडी उस तरह भी समझ सकते हो, अरे एकाएक भी बोल सकते हो कि सर श्याम क्या 100 है, तो राम की आय 120। आगे बढ़ो, अब क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय इस श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, इससे ये कितना परसेंट कम है, तो इसका जो ट्रिक होगा ना वो कैसा ट्रिक होगा पता है आपको, x/100, देखो यहां पर अधिक बोला है ना, अधिक मतलब प्लस, प्लस x / 100, यानी कि डिजिट के बगल में क्या बोलना चाह रहे हैं, 20% अधिक, अगर डिजिट के इस संख्या के बगल में अधिक रहेगा तो प्लस का काम करेंगे और अगर कम रहेगा तो माइनस का काम करेंगे, ठीक है, पिछला सवाल में माइनस इसीलिए किया क्योंकि संख्या के बगल में कम रहता था, लेकिन अब कि अधिक बोला है तो हो जाएगा 20/100 + 20 × 100 = 20
26 बिशा से तीन, देखो आधा आधा कर दो, तीन और इसको 50 कर दो, अब 50 बटा तीन कितना आंसर होगा, ध्यान से देखो भाग लगा दो, तीन का तीन ऐसे देखो, हम ऐसे जानते हैं 16 * 3 = 48 होता है, ठीक है आप जल्दी कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तब आपको हम तरीका बता रहे, देखो तीन का तीन कितना बचा, दो बचा 20 हो गया, तीन 6 * 18 = 19 20 3%, ये हमारा आंसर होगा 16 * 2/3 = 3 16 * 3 = 48 49 50 50 50 * 3% क्या है, कमी है यहाँ अधिक तो यहाँ कमी, कमी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ये मेरा आंसर हो गया, क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला दो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, एक सेकंड में इसको मिटा लूं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो आपका है ही स्क्रीन पे, कहता है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब देखिए आप खुद बना सकते हो, 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दें कि उनका खर्च ना बढ़े, आप पांचों का पांचों सवाल खुद बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके बना लो, फिर मेरा वीडियो देख के आंसर मैच करो, देखो 10% क्या बोला, बढ़ गया, बढ़ने का मतलब होता है प्लस, और 10% बढ़ने का मतलब होगा आपको ट्रिक क्या होगा, हम बताए थे x बटे 100 प्लस माइनस x गुना 100, ये आपको ट्रिक देना है, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 बटा बढ़ने का मतलब प्लस हो जाएगा, 110 लिख दे डायरेक्ट कि 100 प्लस 10 लिखे, देखो हर तरह के बच्चे होते हैं ना, हमको सबको लेके चलना, इसलिए एक एक स्टेप लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए, अब देखो बटे 110 गुना 100, अब 0 0 आप कटा लो, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100 * 11, इसको भाग दो कितना होगा 11 * 99 = 9.1/11%, और ये क्या 9.1/11% क्या हो गया खर्च उसका, यानी कि कम कर दें कि खर्च ना बढ़े, यानी कि कम करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, इतना खर्च नहीं बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा तो यहां कमी हो जाएगा, ये मेरा आंसर था, ठीक है सिंपल सी बात है। चलिए ट्रिक से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन बना सकते हो, तीसरा नंबर देखो कैसे बनाओगे, ठीक है इसको मैं साफ कर देता हूं और आप लोग नोट करते जाना, कॉपी में लिखने से आपको फायदे होंगे कि जब एग्जाम रहेगा तो आप आसानी से इसको वहां पे देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, सिंपल सी बात है सर, 25 / 125 का ही कर देंगे, सिंपल सी बात है, और गुना 100 कर देंगे, जो भी आगे बोलेगा यही रूल लगेगा, 25% अधिक कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना लाभ ना हानि हो, 25 * 5 = 125, और इसको कटा लो 20 बार में, यानी कि बराबर 20%, अरे वही बात है, आप क्या सोच रहे हो 25 * 100 + 25 क्यों नहीं लिखा, प्लस क्यों, क्योंकि देखो 25% क्या बोला है, जस्ट बगल में 25% का अधिक बोला है, और अधिक का मतलब होता है प्लस, देखो प्लस, देखो अधिक जब तक प्लस नहीं करेंगे तो अधिक होगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है सारी भावना तो छिपा है उसी में, अगुना 100, यही ट्रिक तो लगा रहे हैं आपका, ट्रिक के साथ चल रहे हैं, x / 100 + x - 100 क्लियर है। चलिए 3 नंबर के बाद अब 4 नंबर बनाओ, खुद बनाओ, क्वेश्चन आपका है ही, सारे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग बना सके एकदम आराम से बैठ के। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम कर रहे हैं, होने पर दुकानदार को ना लाभ ना हानि पर असर पड़े, बात वही बोल रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पर बोले कि ना लाभ ना हानि, यानी कि सेम काम है, 15% बढ़ गया तो 15 * 115 * 100 5 * 3 = 15 * 5 * 2 = 10 = 1 / 5 = 15 कितना हो गया 300/23। अब इसका आंसर लाओगे कितना आएगा ये आपको पता करना होगा, तो ये जो कटेगा आपका 13 बार में भाग लेगा, 13 * 1/23% ये आपका आंसर हो जाएगा, और आसान था क्वेश्चन, आप इसको भाग लगाना, कैसे भाग लगाओगे मायने रखेगा, तो देखो 300 को भाग जब दोगे 23 से तो एक बार में ही लगाना, तो कितना बचेगा 7 = 70 और 23 * 3 कर देना 3 = 69 बच जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर 13 * 1/23%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके आसान है, कहता है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः, पुनः का मतलब हो गया दोबारा, कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना परसेंट घटाएं कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, क्या समझ रहे हो कि खर्च मतलब उधर बढ़ा रहा है इधर घटाना है उसको, बात को समझो, एक ही परसेंट बोला है और बगल में क्या बोला है बढ़ गया, बढ़ गया का मतलब बढ़ाने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना का मतलब होता है प्लस करना, देखिए 20 * 120 * 100 कौन सा सूत्र, x / 100 + x / 100, ठीक है यह परसेंटेज होता है, ये ट्रिक से चला रहे हैं, अब देखो 20 * 6 = 20
तीन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50/3 कितना हो जाएगा 16 पूर्णांक 48 49 50 3 16 पूर्णांक 2/3% आपका आंसर हो गया। कैसा लगा यहाँ तक में? ये आसान क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ इस टाइप का। अब इस टाइप का कितना हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ होमवर्क। देखिए प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न दिया है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। टोटल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ये जितना भी स्क्रीन पे है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना बना पाते हो कि नहीं। दूसरी बात, ये आपको अभी हम नहीं बताने वाले हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन चेक करो, वहां पर मैं लिंक दे रहा हूँ इस चैप्टर का, इस पार्ट का, ठीक है, ये पार्ट वहां से देख लेना। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके कोई भी दोस्त है साथी है तो शेयर कर दो उसको, इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो इसे सब्सक्राइब करे और जल्दी से जल्दी ये चैनल थोड़ा आगे बढ़ पाए। तो यहाँ तक वीडियो आपने अगर देखा और हमसे कुछ सीखा तो कमेंट जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए आपके फायदे के लिए हम इतना बोल रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं, क्या कि आप देखें मेरा वीडियो को। दूसरी बात, आप शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, शेयर करेंगे और कॉमेंट तो करना ही है। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत परसेंटेज का टाइप थर्ड देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको सीखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। सबसे पहली बात, अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत मेहनत करके पढ़ाया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें प्रोत्साहन देने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। चलिए आज हम लोग पार्ट थर्ड जानेंगे प्रतिशत का। प्रतिशत का पार्ट थर्ड में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होगा। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 क्वेश्चन रहेगा एक टाइप का, और वो 6 क्वेश्चन को एक ही सूत्र से, एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही ट्रिक से सॉल्व करने सीखेंगे। छोटा सा बात है जो मैं आप लोगों को भी बोर्ड पर बताऊंगा, उन चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन को, मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड जो भी बातें होगी उसमें से सबसे पहली बात होगी वृद्धि की। अगर वृद्धि का मतलब आपको पता है बढ़ना होता है, बढ़ेगा तभी जब प्लस करेंगे, तो आपका वृद्धि का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस। और कमी अगर बात करें तो कमी का मतलब होगा माइनस, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन हमको चाहिए, क्या रिलेशन तो समझिएगा। अगर कभी आपको कोई प्लस प्लस की बात करे तो आप बोलना प्लस 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 प्लस, ठीक है। उसी तरह से माइनस माइनस की बात करेगा तो बोलना है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। लेकिन अगर प्लस और माइनस की बात करें तो बोलना है माइनस, और माइनस और प्लस की बात करें तो बोलना है माइनस, ठीक है। ये आपको चार गो हम आपको कॉन्सेप्ट में, यानी कि चार रूल है जो कि आपको जानना जरूरी है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसका सूत्र पे आपको फॉर्मूला बनाने में ये आपको काम करेगा। जस्ट अभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको बोलेगा वृद्धि और वृद्धि, पहला केस में आपको बोल सकता है फर्स्ट में कि x परसेंट वृद्धि बोल सकता है और y परसेंट आपको भी वृद्धि बोल सकता है। दो टाइम आपको वो वृद्धि बोलेगा और दो परसेंटेज डाल देगा क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो अगर x परसेंट वृद्धि और y परसेंट वृद्धि की बात कर रहे हैं तो आपको प्लस प्लस का यूज करना है, यानी कि प्लस में x और फिर प्लस में y, और यहां से एक आपको आगे जो बढ़ना है ये जो चिन्ह लेना है इन्हीं से लेना है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, यहां से चिन्ह को लेके चलना है और यहां पे लिखना है, और फिर यही दोनों को गुना करना है, x गुना वाई बटा 100। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। देखिए अगर दूसरे
कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा में अगर एक्स परसेंट कमी की बात करें और वाई परसेंट कमी की बात करें तो फॉर्मूला बदल जाएगा, माइनस से एक्स हो जाएगा और माइनस वाई, और अगला जो यहाँ पे चिन्ह आएगा यही यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो माइनस और माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, यहाँ प्लस देंगे और यही दोनों को गुना कर देंगे एक्स गुना वाई बटा 100। धैर्य रखिए, अभी सूत्र बताने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। उसी तरह से तीसरा अगर हम रूल में आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर x परसेंट वृद्धि रहेगा और y परसेंट अगर कमी रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व करोगे। देखो वृद्धि प्लस को बताता है यानी कि प्लस में x, कमी माइनस में माइनस, आगे का चिन्ह यहां से लेना प्लस माइनस माइनस लिखना और यही दोनों को गुना कर देना एक्स गुना वाई बटे 100 और आप इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना यानी कि प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर अगर चौथा रूल की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, अगर हम एक्स परसेंट कमी ले लें, क्या ले लें एक्स परसेंट कमी और y परसेंट अगर हम वृद्धि ले लें तो मेरा रूल क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा माइनस x प्लस y, माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा x गुना वाई बटा 100। ये हमारा एक चौथा रूल हो गया। ठीक है, और ये चारों रूल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि आगे जो सवाल आएगा इसी तरह से रिलेशन वाला सवाल आएगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और टाइप थर्ड में लिखा गया है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों रहेगा टाइप थर्ड हो गया। इसका मतलब टाइप वन और टाइप टू को आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं सिखा दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो बार बार बोल रहा हूं आपको कि वो देख के यहां से देखो समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे चेक करो वहां से आप अच्छे से देखो। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से, कैसे सॉल्व होगा तो समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका क्या कहता है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली बार कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है, बढ़ना क्या होता है प्लस होता है, तो आप क्या करोगे 10 लिखोगे प्लस में, यहाँ पे प्लस है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है कि कुछ दिन बाद 20% बढ़ गई, कुछ दिन बाद 20% फिर बढ़ गया तो क्या करोगे प्लस 20 कर दोगे। आगे चिन्ह कहां से लेना है आपको, यहीं से लेना है प्लस, प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा और यही दोनों का गुना करना 10 गुना 20 बटा 100। अब बहुत बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं कि यहां से यहां कटा देते हैं, वो नहीं कटाना है, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको यहां ऊपर नीचे इतना सा पार्ट में आप कटा सकते हो क्योंकि ये हमारा एक फ्रैक्शन में है, एक भाग में है, तो हम क्या करेंगे इसको कटा सकते हैं। देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 20 और 10 इसको जोड़ लो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, 30 2 32 यानी कि 32% क्या होगा वृद्धि होगा आंसर आपका। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आते हो तो 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आप आसानी से बना सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कहता है कि मोहन ने अपने व्यय पहले 15% घटाया, चलो हम मानते हैं कि वो 15% घटाया तो -15, क्यों -15 क्योंकि वो घटा रहा है। फिर कहता है पुनः 5% घटाया, फिर 5% घटाया तो -5। ठीक है, तो अब देख लो ध्यान से माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे करेंगे 15 गुना 5 बटा 100। ठीक है, अब क्या करो इसको सॉल्व कर लो। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, -15 -5 क्या हो जाएगा -20 और प्लस 15 5 कितना हो जाएगा 75 और इसको 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो तो यहां पर हो जाएगा 0.75, 2 अंक है ना नीचे तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -20 + 0.75 क्या होगा, अगर 20 में कोई 0.75 ले ले तो कितना बचेगा आपका 19.25, तो 19.25 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 19.25 को कोई इस तरह भी लिख सकता है 19.14%। ठीक है, और किस में आंसर आएगा मेरा माइनस में आएगा ना, तो कमी बोलेंगे क्योंकि बड़ा के साथ मेरा माइनस है, ये माइनस में आएगा। क्लियर है, तो जब कमी बोल रहे हो तो यहां माइनस देना जरूरी नहीं होता, आसान लगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आप बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ने का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। और फिर क्या कहता है, 10% घटी माइनस 10। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 10 बटा 100, 0 0 कटा लो, और देखो 20 और 10, 10 20 में 10 जाएगा कितना बचेगा आपका, 10 बच जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका 2, बराबर क्या होगा 8% वृद्धि आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन तीन हम बना दिए। चार नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चार कहता है आपका कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 10% घटी और 15% बढ़ी, घटना माइनस होता है, तो माइनस दस और बढ़ी है प्लस 15। आगे का टर्म यानी कि चिन्ह लेंगे, यहां से लेंगे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 10 गुना 15 बटा 100, ठीक है। 0 और 0 कटा लो, ये 10 देखो इतना में कटाना है, ऐसा ना कि यहां से कटा दिए गलत हो जाएगा, ये हमारा एडिशन में है, इतना हमारा भाग में है, और ये 0 बचा ना, यहां 10 बैठा देंगे 1.5 हो जाएगा, 15 में 10 घट जाएगा क्या बचेगा 5, माइनस हो जाएगा 1.5, यानी कि आंसर होगा आपका कितना, देखो 5 में 1.5 घटा देंगे, 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.5, यानी कि बचेगा मेरा 3.5%, और ये क्या होगा वृद्धि होगा, क्यों, क्योंकि मेरा पॉजिटिव अगर माना है तो आंसर देना वृद्धि में, और अगर नेगेटिव है तो कमी में, ऑप्शन वो रहेगा, परेशान मत होइए, तो ये आपका 3.5 हो जाएगा। अगर आप ये दोनों को चेक करते हो, जोड़ना चाहते हो, तो देखो 3 और 1 4 और 50 और 50 पैसा यानी कि 1 रुपया, तो 5 रुपया, रुपया में अगर सोचते हो तो ऐसे बना लेना, 4 नंबर बन गया। क्लियर है, उसी तरह से 5 नंबर सवाल आप खुद बनाओ, देखो बना लोगे। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, तो प्लस 25, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है कि परंतु कुछ दिनों के बाद वह बाद उत्पादन में 15% कम हो गया, तो माइनस 15 कर दो, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 15 कर दो, ठीक है, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम एक ही जैसा बनेगा ये सारा। अब देखो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा, यही दोनों को गुना करेंगे, ध्यान से पढ़ लो पहले क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कितना कमी या वृद्धि हुआ, आप देखो इसको निकाल दो, 4 से इसको कटा लो, 4 3 12 13 14 15, 3 बचा 4 7 28, 4 4 16, यानी कि 5 रख दो, क्योंकि ये कभी शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा, तो एक अंक बढ़ा देना वो शांत हो जाता है। 25 में 15 घटा लो तो कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। अब माइनस 3.75 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, 10 में पहले 3 घटा लो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 7 में फिर 0.75 घटा लो तो 0.625, यानी कि 6.25% बना आंसर। और इस 25 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 6.4 भी हम बोल सकते हैं परसेंट वृद्धि, ठीक है। आपका जैसा क्वेश्चन वैसा काम करना, तो 5 नंबर बन गया। और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये भी आप बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप आसानी से बना सकते हो। एक बार 10% ठगा, ठगने का मतलब उसको लाभ हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, फायदा होने का मतलब पॉजिटिव, यानी कि एक बार 10 लिखेंगे, फिर अगला बेचने वक्त भी 10 ठगा तो प्लस 10, प्लस 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 10 गुना 10 बटा 100, 0 0 0 0 कटा लो, 10 10 20, और एक बार में कटाया, सब बहुत बच्चा 20% आंसर देता है जो गलत है, ये कटा एक बार में तो ये एक जुटेगा, तो 20 प्लस 1 होगा तो कितना होगा 21% क्या हो गया वृद्धि हो गया, उसको मुनाफा हुआ, ये हो गया ना क्लियर 3 नंबर। तो आज की क्लास में यही रखते हैं, टाइप 4 का मैं आपको लिंक आई बटन पे दूंगा, वहां से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी रह सकता है, वहां से देख लेना। तो कैसा लगा कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए किन किन का हेल्प हो पा रहा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।
तब तक आप लोग शेयर करते रहना। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और सबसे पहले इसको दो पार्ट में जानेंगे, पार्ट ए क्षेत्रफल और पार्ट बी में आयतन। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दूंगा और 9 क्वेश्चन पिछले पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। वही फॉर्मूला लगेगा, वही सूत्र लगेगा, क्योंकि आज भी वही सारा सवाल उसी टाइप से चलेगा, लेकिन लैंग्वेज जो क्वेश्चन का होगा वो एडवांस मैथ की तरह होगा और आपको हो सकता है इस तरह के लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाए कि लगे सवाल देखकर हार्ड लगे लेकिन आसान होता है। कैसे बनाएंगे तो देखिए अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप पिछला पार्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके साथ ये चलेगा आपका। और पिछला पार्ट आपका डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पे लिंक है, वहां से पिछला पार्ट देख कर इसको देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं भी देखोगे तो भी समझ तो जाओगे लेकिन हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो चलो हम लोग जानते हैं 9 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, समझिए। कल हम बताए थे आपको प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। वृद्धि होगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस होगा, पिछले सेशन में ये चीज बताया गया था। तो आज हम 9 सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। देखिए ये 9 का 9 सवाल एक ही फॉर्मूला से बनेगा, एक ही रूल से बनेगा, एक ही टाइप के फॉर्मूला से बन जाएगा। कैसे समझिए, क्षेत्रफल है और कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आसान क्वेश्चन है, आपको क्या कर रहा है, आयत दे रहा है और बढ़ा रहा है 5% और 10% फिर बढ़ा रहा है चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई को। तो इस प्रकार जो बढ़ाने की बात होगा ना वो प्लस से रिलेशन होगा और प्लस से रिलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन हम अगर बनाए तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस 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 एक्स गुना वाई बटा 100, ये रूल होता है। ठीक है, कल की सेशन में हम बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो यहाँ का प्लस और यहाँ का प्लस चल के यहाँ आता है प्लस, ठीक है, और यही दोनों को गुना करके बटा 100 करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5% बढ़ा रहा है तो हम 5 लिख दिए, और कितना बढ़ा रहा है फिर कह रहा है कि 10% बढ़ा रहा है तो 10 लिख दिए, प्लस 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 कर दिए, 5 गुना 10 कर दिए और बटा 100 कर दिए। अब क्या करोगे, इसको कटा लो, 0 0 कट जाएगा, 5 दुना 10 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 5 15 15 और देखो प्लस हो गया 1/2। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम वगैरह नहीं लेना, जब न्यूमरेटर कम रहे डिनोमिनेटर से तो क्या करना, इसको मिला देना। तो क्या करना, 15 पूर्णांक 1/2 मेरा आंसर होगा और इतना परसेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आंसर सही है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, इस पर बढ़ा रहा है और क्या कर रहा है, चौड़ाई को घटा रहा है, 10% घटा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल, तो फिर वही रूल चलेगा, इस बार बढ़ा रहा है तो बढ़ाने का मतलब हो गया प्लस, तो 20% बढ़ाया और 10% घटाया, देखिए 20 प्लस में प्लस दे दो, नहीं भी दोगे तो चलेगा क्योंकि प्लस छिपा होता है, माइनस 10। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 10 बटा 100, 0 0 0 0 कट जाएगा, देखो 20 में 10 जाएगा कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा, यहाँ पे 2 घट जाएगा तो कितना होगा 8%, यानी कि 8% आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्लियर है, दूसरा बन गया। उसी तरह से अगर हम 3 नंबर सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल कहता है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखो वर्ग जो होता है हमारा, चारों भुजा हमारा यानी कि चारों साइड बराबर होता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होता है, तो अगर 25% इसको बढ़ा रहा है तो इसका मतलब हमको इसको भी सभी भुजा को 25-25 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो वो वर्ग बनेगा, यानी कि दो भुजा को बढ़ाना ही पड़ जाएगा हमको तभी वो वर्ग ही बनेगा। तो क्षेत्रफल वही रूल लगेगा, 2 बार वर्ग में 2 बार करना होगा, यानी कि 25 बढ़ा रहा है तो प्लस प्लस 25, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 25 गुना 25 बटा 100। अब देखो 25-25 क्या हो जाएगा हमारा, 50-50 हो जाएगा और प्लस 25-25 कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि
0.25% या फिर देखो 25.05 को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव बटाओगे तो 100 होगा और 25 चौके 100 होगा तो 1/4 लिख सकते हैं। या फिर इस तरह भी हो सकता है, ऑप्शन रहे आपका 56.1%, ये वृद्धि होगा, क्योंकि जो मान पॉजिटिव में आ जाए वो वृद्धि होगा, जो मान निगेटिव में आ जाए वो मेरा कमी होगा। तो 3 नंबर सवाल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर भी उसी तरह का सवाल है, आप बना सकते हो, बना के देखो बन जाएगा। क्या कहता है 4 नंबर? 4 नंबर सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 8% और 12% बढ़ा रहा है किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2% है आपको बढ़ा रहा है, दोनों बार बढ़ा रहा है 8% और 12%, तो 8 + 12 कर दो, प्लस 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 हो जाएगा 8 × 12 / 100, ठीक है। अब क्या करो, 12 और 8 को जोड़ दो, 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 × 96 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। दो अंक के बाद दशमलव दे दो, यानी कि हो जाएगा 20.96% आपका वृद्धि हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर, क्लियर है। उसी तरह 5 नंबर सवाल कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, इस प्रकार उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। आसान क्वेश्चन है, उसी तरह है, पहले क्या किया है, समांतर चतुर्भुज आधार में 25% का वृद्धि किया गया और ऊंचाई में 10% कमी किया गया, यानी कि 25 वृद्धि 10 कमी, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 25 × 10 / 100, 0 0 कटा लो, 5 × 10 / 6 = 25 कटा लो, 25 में 10 घटा लो क्या होगा 15 बचेगा, -5/2 कर लो, भाग लगा लो, 2 × 2 = 4 / 1/2, ये लगेगा ना, 2 × 4 = 5/2, 15 में 2 घटा लो, ठीक है, यहाँ से इसको इसको घटा सकते हो, 15 में 2 जाएगा कितना बचेगा 13, बराबर होगा 13.2%, ये आपका क्या हो गया लाभ हो गया, यानी कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, 5 नंबर भी सवाल आसान था। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो 6 नंबर कहता है एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया। जब वृत्त में, बात को समझो, वृत्त में 5% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 5% अगर परिधि में वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब वही रूल, देखो आपको समझ में हो सकता ना है, आपको रूल क्या करना है, 5 + 5, जब एक बात भी बोले ना तो यही लेके चलना है, क्योंकि वृत्त जो बढ़ेगा, परिधि बढ़ेगा तो पूरे का बढ़ेगा, यानी कि 2 त्रिज्या बढ़ जाएगा वहां पे, 5 + 5 + 5 5 × 5/100, ठीक है। अब इसको कटा लो, कटाओगे या फिर आप चाहे 25 दो अंक के बाद दशमलव लगा देना, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10.25, ठीक है, परसेंट वृद्धि। या फिर आप 25 को समझ सकते हो 1/4 बताए थे, 10.1% आपका ये वृद्धि आंसर हो जाएगा, तो ये 6 नंबर भी बन गया, क्लियर है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, 3 क्वेश्चन और बना लेते हैं जल्दीबाजी में, आपका आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक वृत्ताकार क्यारी में व्यास में 15% की कमी की गई, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा। क्या कह रहा है, 15% की कमी क्या गया क्यारी का व्यास में, तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल में कह रहा है ना, तो आप 7 नंबर आसानी से बना सकते हो। आपको क्या करना है, कमी का मतलब होता है माइनस, तो -15 - 15 - -+, देखने से आपको लगेगा सवाल कि काफी टफ है, लेकिन रूल वही लगता है, आप ध्यान से प्रैक्टिस रखो इस तरह के सवाल पे, बन जाएगा। 15 - 15 कितना हो जाएगा -30, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 225 / 100, ठीक है। दो अंक के बाद दशमलव दे दो, 30 में 2.25 घटा लो, 30 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 28, 28 में 0.25 जाएगा तो कितना बचेगा 27.75, यानी कि -27.75, या फिर 3/4 होगा, 27.3% वृद्धि, कमी, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा तो कमी, और जब कमी लिखेंगे या माइनस नहीं देंगे, और अगर माइनस दे रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कमी हो रहा है, तो हटा दो इसको माइनस को, कमी लिख दो ना, आंसर हो गया, ठीक है, 7 नंबर बन गया। 8 नंबर भी सवाल आसान है, उसी तरह से पढ़ो और बनाओ। एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 10% का वृद्धि हुआ ना, वृत्ताकार पार की त्रिज्या, तो 10
प्लस दस प्लस 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 दस गुना दस बटा 100, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा, याद रखना 10 10 20 और 1 21, यानी कि 21% आपका वृद्धि हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका आसान है और आसानी से बना सकते हो। कहता है एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप 20% बढ़ गया तो क्या करोगे, 20 प्लस 20 प्लस 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 20 गुना 20 बटा 100, 0 0 कटा लो, 20 20 40 और 4 44, 44% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर ही कटता है, इधर नहीं कटाना, ऐसा नहीं करना कि इधर कटाना, पिछला पार्ट में सब बता दिए आपको, ठीक है। तो 9 सवाल हम लोग जान गए और ये 9 सवाल किससे रिलेटेड था, तो क्षेत्रफल पर रिलेटेड था। अब हम लोग जानते हैं आयतन से रिलेटेड इस तरह के सवाल को बी नंबर कैसे, बी टाइप कैसे बनाएंगे। तो देखिए आयतन वाला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए अब है आपका आयतन पर आधारित प्रश्न, और यहां से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करूंगा। एक्चुअली पिछला भी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से जो भी मैं बताऊंगा वो आप लगा सकते थे, लेकिन मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन जब उससे आसानी से बन सकता था तो क्यों हम इस तरह सोचे। लेकिन यहां पर जो आयतन की बात कर रहा है, यानी कि गोले का बात कर रहा है, यहाँ पे घन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये 3D वाला बात हो जाएगा। और 3D वाला का क्वेश्चन का सॉल्व अगर करोगे तो उस ट्रिक से लगाओगे, जैसे कि एक्स परसेंट की अगर वृद्धि होता था और अगर वाई की वृद्धि होता था और एक और जेड परसेंट की वृद्धि अगर कह देता मान लिया जाए, तो आप क्या करते होंगे कि ये दोनों का पहले निकालते होंगे परसेंट और फिर इसके साथ इसका तुलना करते होंगे, फिर एक सूत्र लगता होगा, तो काफी समय लगता है। तो उस तरह से नहीं करेंगे इसको, हम लोग दूसरा टाइप से बनाएंगे। तो समझिए, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगा आपको और समझाते हुए चलूंगा, ध्यान से समझिए क्या कहता है आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी हो गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। समझो बात को, आयतन सबसे पहली बात हमको यहां पे समझना है, गोला का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, या फिर आप बोल सकते हो 1/6 पाई डी क्यू, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको 4/3 पाई डी बाय 2 का क्यू, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि आर जो है ना व्यास का आधा होता है, ठीक है, इस तरह भी सोच सकते हैं। तो हमको यहां पर यह सोचना है कि यहां पर जो हमको व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है, व्यास हमको दिया है 10%। तो समझो 1/6 पाई डी क्यू, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि व्यास हमको दिया है डी वाला वाद दिया, तो ये गोला का आयतन होता है, या फिर 4/3 पाई आर क्यू, ये भी आप समझ सकते हो, जो भी समझ सकते हो, या फिर 4/3 पाई डी बाय 2 का क्यू, ये समझ सकते हो। तो यहां पर जब व्यास दिया हुआ है तो हमको इस व्यास का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर की कमी दिया है। तो 10% की कमी अगर करेगा तो हम इसको 10% की कमी किस में, तो 90 100 में, तो 100 में अगर 10% कमी करेंगे तो कितना होगा, 90, ठीक है, और बटा 90 गुना 90 थ्री टाइम आप इसको लिख देना। क्यों 3 टाइम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पर क्यूब दिया हुआ है, और उसके बाद 100 गुना 100 दो टाइम लिखना, जितना यहां लिखेंगे उससे एक कम, अगर यहां 3 टाइम लिख रहे थे यहां 2 टाइम, पहले 2 टाइम लिखते थे तो 1 टाइम लिखते थे नीचे, ठीक है। अब गुना यहाँ पे परसेंट में, चूंकि हमको चाहिए, देखो इसके साथ भी परसेंट, इसके साथ परसेंट, इसके साथ परसेंट, यानी कि हम इस परसेंट का भले 100 लिख दिए, इस परसेंट का लिख दिए, लेकिन 1% 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको आंसर तो परसेंट में चाहिए, ठीक है। और ये सब का यूज क्यों नहीं किया, ये भी आपको माइंड में आएगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ हमारा कांस्टेंट है 1/6 और पाई का मान 22/7 कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां पर भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो आप देखो ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, और 1 0 कटा लो, ये कट जाएगा। अब 9 का क्यू कर लो, 9 गुना 9 गुना 9 कितना होता है, 729 होता है, तो बराबर हो जाएगा 729, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि यहाँ 1 0 है, तो 72.9% हो गया परसेंट, क्योंकि 100 हम यहाँ नहीं लिखे इसलिए परसेंट, तो कितना घट गया, 100 से कितना घट गया, यानी कि 100 में 72.9 को हम घटा के देखेंगे तो आंसर आएगा 10 में 9 जगह 1, 9 में 2 जगह 7 और 9 में 7 जगह 2, 27.1% मेरा आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है।
आसान लगा? चलिए एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरा सवाल भी आसान है, क्या कहा है कि बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। तो जब बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई, पहले बेलन का क्या होता है, सबसे पहले आप समझो कि बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और यहां पर इसकी त्रिज्या में कमी कर रहा है, यानी कि 5% बढ़ाई जाए और उसकी ऊंचाई को 10%। देखो इसको भी बढ़ा रहा है वो, और इसको नहीं, त्रिज्या बढ़ा रहा है 5% और ऊंचाई भी 10%, दोनों में प्लस कर रहा है। तो दो बार, यानी कि यहाँ पे देखो ये 2 टाइम आया और ये एच टाइम 1 टाइम आया। तो हम क्या करेंगे, 5% अगर बढ़ा रहा है तो दो बार लिखेंगे, यानी कि 105 गुना 105 100 में, ठीक है, और गुना ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 10%, यानी कि 110, और बट्टा कर लेंगे हम 100 गुना 100, और एक 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंट में आंसर चाहिए। अब 0 0 कटा लो, कट गया, ठीक है, 5 से कटा लो, 5 दुना 10 21 पंचे 105, ठीक है, फिर कटा लो 20 से 20 पंचे 100 21 पंचे 120 105, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 गुना 11 बट्टा 10 40, ठीक है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुना, यानी कि 40 को लिख सकते हैं 4 गुना 10, ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब देखो, अब क्या करो, इसको गुना करो, तो एक गुना कैसे करेंगे, तो देखो 1 4 1 5 4 4 8 4 इतना हो जाएगा, और 4 से इसको भाग लगा देंगे और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 4 का 4 4 दुना 8 4 का 4 1 बचा 11 हो गया, 4 दुना 8 9 10 11 3 बचा 4 7 8, यानी कि एक अंक और है 0, तो यहाँ पे लगा देंगे 121.27 हो गया। कितना बढ़ा 100 से, तो 21.27, यानी कि बराबर हो जाएगा 21.27% आपका वृद्धि हुआ, प्लस में आया आंसर, ठीक है, तो 21.27 क्लियर है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। हाँ, आपको ये गुना हो सकता है समझ में ना आए कि हम कैसे किया, अभी आप ऐसे करो 11 11 11 44, लेकिन एक नियम होता है कि पहले एक लिखते हैं फिर दोनों को जोड़ते हैं 4 1 5, फिर दोनों को जोड़ते हैं 4 4 8, और फिर 4 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है 20 दुना 40, यानी कि 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 10, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो वृद्धि कितना हो गया, 100 से कितना हुआ वो घटा लेना, आप घटा के समझ जाना कि 100 में घटाएंगे तो इतना 21.27% वृद्धि हुआ, तो 2 नंबर बन गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 3 तो है, तीनों पे आप कोशिश कीजिए बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो कहता है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये सारे क्वेश्चन 3D वाला है, अगर आप इसको उस तरह से बनाना चाहते थे कि 10% अगर वृद्धि हुआ, तो देखो घन की भुजा क्यों होता है, घन का सूत्र क्या होता है, हमारा आयतन भुजा क्यों होता है, तो यानी कि 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि इस तरह का जो स्फीयर बनता है आपका, इस तरह का जो आकार बनता है आपका, ये हमारा घन कहलाता है, ठीक है, जिसमें सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग 3D और 2D वाला सवाल जो होता है, पिछला जितना सवाल बताया 2D वाला बताया, तो 2D वाला तो आसान था, उस तरह से बना लेंगे, लेकिन 3D वाला सवाल आपको प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए। तो आपका जब एडवांस मैथ चालू करेंगे तो वहां पर इस चीज को हम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, फिलहाल आपको बनाने सिखा देते कि परसेंटेज में सवाल को कैसे बनाओगे। तो घन की भुजा 10% वृद्धि क्या, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन तो आपको सूत्र पता है, और नहीं पता है तो पता करो, अभी देखो भुजा क्यों लिख दिए हम, ठीक है। उसके बाद अब ये सोचना कि जब 3 टाइम हो रहा है भुजा का क्यों, तो इसका मतलब 10% 10% 10% 3 टाइम करेंगे। पहले आप क्या करते थे, इन दोनों को चूंकि बढ़ा रहा है वहां पे 10% की वृद्धि कर रहा है, ये दोनों को आप लेते थे, तो क्या करते थे 10 प्लस 10, यही जाते थे प्लस 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 10 गुना 10 बटा 100। अगर 2D का सवाल रहता तो ऐसे बना लेते 10 10, यानी कि 21% होता। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 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 21 गुना 10 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, 20 ये कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 अब प्लस हो जाएगा, ये जोड़ दिए, और यहाँ देखो 10 है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, तो 31 और 2 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33.1% आपका हो जाएगा ये वृद्धि। समझ में आया, समझ में आना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है, फिर से एक बार समझाते हैं, अगर आप इस 3 से चलते हैं तो। लेकिन आपको हम इस तरह नहीं बताएंगे 3D वाला सवाल को, इसका रूल अलग से भी बना सकते हैं, तरीका बहुत है बनाने का, और
कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो कि क्या है 10% वृद्धि। तो जब भी 10% वृद्धि बोले ना, चूंकि 3 टाइम आएगा भुजा क्यू में, और हर सूत्र में जब स्क्वायर आएगा तो एक ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बेलन में आया था पाए आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर एच, एच एक आ गया तो उसके साथ तो 3D हो गया। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि 10% वो वृद्धि कर रहा है, तो 3 बार इसको करना है, तो वृद्धि 110 गुना 110 गुना 110 अब बटे 100 गुना 100, ठीक है। ये हमको आंसर देगा, इतना परसेंट आंसर होगा। क्योंकि हम 100 इसलिए और नहीं लिखे क्योंकि इसके बदले हम यहाँ परसेंट लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जीरो कटा लो 11 का क्यू कितना होता है 1331 होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको, 11 गुना 11 गुना 11। अब देखो यहाँ पर 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दो, कितना बढ़ा 133.1 हो गया, कितना 100 से बढ़ गया, तो 100 से बढ़ गया यानी कि 33.1% वृद्धि हुआ। अब बहुत को ये भी समझ रहे हैं कैसे हम 33.1% हम लिख रहे हैं, तो बाबू 100 में घट 133 है ना, तो 133.1 में आप 100 घटा लो तो कितना हो जाएगा 133, तो 33.1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना आसान। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर कैसे बनाएंगे। 5 नंबर सवाल अच्छा भी है और आपको बनाना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए। और पिछला सेट में जो पिछला पार्ट था जिसका हम लिंक दिए हैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, वो क्या हुआ है कि वो आपका एक लास्ट वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक से मिस्टेक हो गया कि वहाँ 5% वो ठग रहा था और हम क्या किए 10% लेके चल गए, इसलिए वो आपको समझ जाना, उतना सा आपके पास माइंड है ही। तो देखिए लास्ट सवाल है 5 नंबर, बिल्कुल 5 नंबर, 2 मिनट लगेगा, देख लीजिए 2 मिनट। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए इसको 2-3 मिनट हम आपको समझा देते हैं, बस लास्ट सवाल है। आप क्या करना है, इसको 10% क्या किया घटाया गया, तो 10% घटाना का मतलब लिखेंगे 90 गुना 100 में घटाएगा ना, उसके बाद 20% घटाया गया तो लिखेंगे 80, फिर कितना घटाया गया, फिर कहता है क्या कि 5% बढ़ाया गया तो 105, और बटा 100 गुना 100, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि 1% में तो हमको चाहिए ही आंसर, तो यहाँ पे परसेंट छिपा हुआ है। अब इसको कटा लो, ए जीरो कटा लो, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, आंसर आएगा आपका 8×5=40 की 0 हासिल 4 होगा, 8×0 तो 4 हो जाएगा, 8×8 हो जाएगा, और इसको गुना 9 से कर लो और बटे 10 कर लेना, बटे 100 कर देना, तो 9×0 अच्छा 1 0 और कट जाए, आप तो कट सकता है लेकिन फिलहाल अभी रुक जाओ, गुना कर लो, 9×0=0, 9×4=36 की 6 हासिल 3, और 9×8=72 और 3 कितना हो गया 75 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव क्या हो गया 75.60 हो गया। इसको 100 में घटा लो, कितना ये हमारा कम गया ये बताना है आपको, क्योंकि कमी वृद्धि हो रहा था, तो 0×10=6 जाएगा 4, 9×5=4, 9×7=2, 24.40 आपका आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट आपका कमी हो गया। अब दूसरा तरीका भी है, आप उस तरह भी बना सकते हो कि 10% घटाई जाए तो -10, फिर कितना घटाया जाए +20 घटाई जाए, फिर बोला 20 घटाया जाए चौड़ाई में तो -20, अब -+ 10×20/100, फिर इसका कुछ मान आएगा, फिर उसके साथ संबंध जोड़ना 5% बढ़ाई जाए के साथ, फिर जोड़ना और फिर आपका यही आंसर आएगा। तो इसमें काफी आपको समय लगेगा और आपको 3D 2D यहां समझाने में भी हमको लगा कि आपको समझाने में दिक्कत हो जाए, इसलिए हम इस तरह से एक प्रोसेस निकाल के आपको बता दिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हां एक और टाइप है इसके बाद, वो चीज देख लो क्या है, ये है आपका IBI पर आधारित प्रश्न, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आई बटन पे दे देंगे, वहां से आप देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। कमेंट की बहुत जरूरत है, शेयर कर दो, सभी दोस्तों को पहुंचा दो ताकि सभी लोगों का फायदा हो पाए। इतना दूर तक आप वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत परसेंटेज का टाइप 5 से देखेंगे, बिल्कुल ही आसान विधि से बताऊंगा और एक ही सवाल को 2-3 तरीके से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी एक ट्रिकी वे में चलकर आसानी से सॉल्व कर पाए। तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अप हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। बहुत लोग स्वार्थी हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं निकल जाते हैं, लाइक कर दो यार, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से तो लाइक करने में क्या जाता है, ठीक।
ठीक है। और क्या, कमेंट तो करना ही करना है, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। ओके तो चलिए टाइप 5 देखेंगे, 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा लेकिन चारों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा के चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप बना पाए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं ना तो पहले पिछला पार्ट जरूर देख लीजिए, पिछला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर आई बटन पे चेक कर लो वहाँ पर रहेगा, पिछला पार्ट देख के इसको देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो परसेंटेज का देखिए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए टाइप 5 आई व्यय पर आधारित प्रश्न है, टोटल 4 ही क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे ढंग से डील करेंगे, आपको देखना कैसे कि कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व करोगे एग्जाम में। तो देखो बने हुए रहना और पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया चीज सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितने रुपया बचाता है। देखो महीना में वो कितना कमाता है, 18,400 रुपया उसका मंथली इनकम है, ठीक है, और वो बचाता है कितना, बचा लेता है वो खर्च करने के बाद कितना बचा लेता है, तो बचा लेता है आपका क्वेश्चन में बचत, हमको नहीं पता है, वही तो मांग रहा है कि बचाता है कितना है, हमको बचत मांग रहा है इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आ जाओ, 18,400 में वो पहला खर्च कितना किया, 30% खर्च किया ना, तो 30% अगर वो खर्च कर रहा है, समझना क्या बोलना चाह रहा है, अगर वो 30% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, क्योंकि हमको बचत में जाना है तो बचत ही सोचेंगे ना, तो बचत कर रहा है 70%, तो इसका हम 70% निकालेंगे तो 70/100 कर सकते हैं। फिर आगे और शेष का बोला है, जब जब शेष का बोला है लगातार चलना है, ठीक है, और अगर ना बोले तो सबको जोड़ के एक ही साथ करना होता है, तो यहाँ शेष का बोला है, फिर कहता है 40% जो होता है ना वो परिवहन पर खर्च करता है, अच्छा 40% वो परिवहन पे खर्च कर दिया, 100 में से 40 चला जाएगा, कितना बचत करेगा, 60 बचत करेगा, तो 60/100 हम कर देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, और क्या आगे और बोला है ना, 50% वो बचत करता है, तो ऑलरेडी 50 वो बचत ही कर रहा है, तो हमको बचत में ही जाना, तो 50/100 लिख दिए, ठीक है, दोनों जीरो यहाँ का कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से 50 × 100 कट जाएगा, 2 × 3 = 6 कट जाएगा, इसको 7 से गुना कर लो, 7 से जब गुना करोगे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 और 2 और 56 × 57 = 58 हासिल हो जाएगा, 5 × 7 = 7, 5 = 12 हो जाएगा, और गुना 3 कर दो आपको आंसर आ जाएगा, 8 × 24 = 4 हासिल 2, 8 × 24 = 25, 26 = 6 हासिल 2, 3 × 2 = 6, 7 = 8, 3 × 3 = 38 3864 वो बचत करता है, ये मेरा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड ये हो गया, चलो इसको लिख देते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है, अब सेकंड मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड मेथड में क्या करोगे, देखो दूसरी विधि में सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, देखो 30% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, अगर वो 30% खर्च कर रहा है तो 30/100 कट जाएगा, 10 में से 3 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा, 7 बचा, तो यानी कि 7/10 हम लिख सकते हैं, कितना में, 18,400 में, यानी कि 18,400 × 7/10 लिख सकते हैं, क्लियर है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में उसने 3 खर्च किया तो 7/10 फिर गुना, फिर आगे कितना, तो कहता है 40% फिर वो खर्च किया तो 40/100 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 × 4 = 2, 5 = 10, 5 में से 2 खर्च किया तो क्या बचा, 3/5 बच गया, फिर कितना, 50% वो बचा लेता है ना, तो बचत ऑलरेडी है, तो 50/100, 50 × 100 = 1/2, यानी कि 2 में से उसने 1 बचत किया, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं उसको 1/2 ऑलरेडी, ये बचत ही है, ये हमारा बचत है, ठीक है, तो वही लिख देंगे, और इसको सॉल्व करके जो भी यहाँ मान आएगा ना वो आपका आंसर आएगा, तो देखो ध्यान से 0 कट जाएगा और 2 से कटा लो, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 0, 920 हो जाएगा, और 5 से इसको कटा लो, 5 × 5 = 4, 5 × 8 = 40, 2 × 5 = 24, 184 हो गया, 184 × 7 करो, 7 × 28 = 8 हासिल 2, 7 × 8 = 56, 57 × 8 = 8 हासिल 5, 7 × 7 = 5 = 12, 1288 × 3, देखो यहाँ पर भी 1288 × 3 किए थे तो 3864 आया था, यानी कि 3864 आपका ये रुपया आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हो, दो दो टाइप से बताए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं, 2 क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर है ही, बस हम आपको बनाते जाते हैं, इसको साफ कर लूं। देखो
अगर दो नंबर आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन कहता है क्या कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपया बचते हैं, नारायण की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए वही रूल अपनाना है। थोड़ा सा देखो क्या करोगे यहाँ पे, उसको क्या कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, तो अगर हमारा इस तरह का बात रहे और अंत में उसके पास देखो कितना बचा रहा है, वो 1800 रुपया बचत कर रहा है, हमको बचत की बात वो बोल रहा है कि 1800 रुपया बचत कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है, 1800 का वो बचा रहा है, इसका मतलब हमको जो भी उसका महीना का आय होगा उसमें से वो 1800 अगर बचा रहा है तो हमको आय में बचत का काम करके करके जाना होगा, 1800 में पहुंचना होगा। तो समझो अब यहाँ पर क्या कहता है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय किया, 30% वो व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, तो कितना बचा 70%, तो एक्स का 70/100 लिख दिए, फिर गुना, फिर आगे कितना खर्च कर रहा है, वो कह रहा है क्या कि शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, 50 ऑलरेडी खर्च किया तो कितना बचा, हर बार 100 में, क्यों शेष का जब भी बोले तो 100 में सोचना है, तो चलो 50 अगर वो खर्च किया तो बचा उसका 50/100, ठीक है। उसके बाद और क्या करता है, वो 1800 रुपया क्या करता है और खर्च, उसके बाद कहते हैं किराया, मकान किराया 1000 देता है, तो मकान का किराया भी 1000 उसका चला गया, चलो 1000 इसका माइनस कर दिए इस वेतन में, ठीक है, तो इस तरह से उसके पास कितना बच जाता है, 1800 रुपया उसका बचत हो गया, यही तो बचत है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो 0 0 कटा लो, 0 0 कटा लो, यानी कि एक्स गुना 7/10 गुना 5/10 बराबर ये जो है ना उस पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा ना, हम इसको लिख दिए 2800 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से कटा लो, ऊपर ऊपर कटता है क्योंकि इसके नीचे एक है, ऊपर से कटा लो, 7 × 28 = 400, 5 × 8 = 40 = 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8000 रुपया आंसर, ये हो गया। और भी तरीका है इसको बनाने का, देखो क्या तरीका है, अगर हम दूसरा तरीका से इसको जाएंगे, ये फर्स्ट मेथड था मेरा, ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में इस तरह बोल सकते हो कि देखो कितना वो खर्च कर रहा है, पहला 30% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, अगर 30% वो कर रहा है खर्च, 30/100, 10 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि उसकी आय 10 थी, आय 10 यूनिट था, 3 यूनिट खर्च किया तो कितना बचा, 7 यूनिट, तो 7 लिखेंगे सर, ठीक है, यानी कि ये उसकी कुल आय थी और ये उसका बचत है, ठीक है, हमेशा लिखे, फिर एक लाइन ऐसे खींच दिए, फिर अगला कितना है उसका 50% वो और भोजन और परिवहन पर खर्च किया, तो 50/100, 50 × 100, यानी कि 2 उसका अगर कुल राशि यहाँ पर बचता है, उसने एक क्या कर रहा है ऑलरेडी खर्च कर रहा है, तो क्या बच रहा है, तो एक बच रहा है, 2 में 1 चला जाएगा तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1000 वो मकान किराया देता है, तो यानी कि उसका जो भी पैसा रहा होगा उसने 1000 दे दिया मकान किराया, तो माइनस 1000 करेंगे, ठीक है, और बाद में यहाँ तक के बाद वो बोलता है कि 1800 रुपया वो बचाता है, तो अब यहाँ पर ही यहाँ से सोचना है, अब इधर से काम करना कि वो अगर 1800 रुपया बचत कर रहा है, 1800 रुपया बचत कर रहा है, तो देखो 1000 रुपया वो किराया दे रहा है, अगर वो 1000 किराया नहीं देता तो यहाँ पर वो कितना बचत करता, टोटल 2800 बचत करता, तो 2800 इसका मान हो जाता है, किसका मान हो जाता है, एक यूनिट का, यानी किसका मान हो जाता है 2800, किससे गुना करना होगा इसको कि 2800 हो जाए, तो गुना 2800 से गुना करना होगा, उसी तरह अगर इधर 2800 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमको 2800 से गुना करना होगा, यानी कि इधर यहाँ पर भी हमको समझो बात को, इधर भी 2800 से गुना करना होगा, तो 28 गुना कितना हो जाएगा, 8 × 16 × 2 × 4 = 5600 हो जाएगा, 28 × 5600, अगर इसका 5600 हुआ तो यही 5600 इसके साथ पुट हो जाएगा, और ये 5600 कितने बार में गुना होगा, 7 × 8 = 56, 800 से गुना हो जाएगा, और अगर देखो रेशियो के दोनों तरफ बराबर अंकों से गुना होता है, अगर इधर 800 से गुना करेंगे तो इधर भी आपको 800 से गुना करना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 8000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये आपको विधि समझ में अभी नहीं आया हो, चूंकि अभी नए हैं हमारे साथ आप, तो फिलहाल तो ये समझो
ठीक है। और ये भी आसान ही है कि चलो उसमें से अगर 30% खर्च किया तो 10 में से 3 खर्च किया तो 7 बचा तो 10 7 लिखे, फिर 50% बचा यानी खर्च कर दिया तो कितना 1/2 यानी कि 2 में खर्च किया तो 1/2 यानी कि 2:1, ये उसकी कुल आय बचा और ये उसका बचत है, फिर 1000 उसने खर्च कर दिया तो माइनस 1000 कर दिए, उसके बाद 1800 बचत करता है तो इसके साथ संबंध जोड़ेंगे 2800 चलो यहाँ बचाया, अगर वो किराया नहीं देता तो ये 2800 का संबंध क्या किए हम इसके साथ ले गए, तो यहाँ 2800 कितना बार गुना 2800 से, इधर 2800 गुना तो इधर भी 2800, 2800 गुना 5600, ये 5600 इसके साथ पुट कर दिए, फिर 5600 देखिए 800 से गुना हो रहा है तो इसको भी 800 से गुना किया 8000 हो गया। ये भी एक अच्छा तरीका है, आसान तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा, तब तक आप लोग 3 पढ़िए और देखिए कैसे बनेगा 3। देखो अगर हम 3 नंबर सवाल की बात करें तो कहता है क्या कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान देता है, कितना परसेंट 5% वो दान कर रहा है दान में, ठीक है 3 नंबर। और आगे कहता है शेष का 20% वो बचत बैंक में जमा करता है, देखो वो भी एक तरह का उसका खर्च ही हो गया ना, चला गया जो पैसे पॉकेट से निकल जाए खर्च हो जाए तो समझो उसका खर्च ही हो रहा है, तो 20% वह बचत बैंक में जमा करता है तो 20% भी उसका बैंक में जा रहा है, चलो बैंक लिख दिया समझ जाना बैंक में उसको देना अनिवार्य है बचत में, ठीक है आगे बढ़ो। अब आगे कहता है क्या कि 20% अगर वो बैंक में जमा कर रहा है करता है अंत में उसके पास 1919 बचता है, 1919 रुपया बच गया, ठीक है तरीका बहुत है तो बचत में जाना है तो बचत में देखो जब दान कर रहा है तो हम उसका मासिक आय मान लेते हैं एक्स, एक्स का देखो अगर 5% उसने दान किया तो कितना बचाया, ठीक है चलो इसको और शॉर्ट करते हैं, तो 5% का मतलब 5/100 20 5 100, देखो यहाँ पे 1/20 हुआ, 20 उसका अगर कुल राशि है कुल यूनिट है तो एक उसने दान दिया तो कितना बचाया 19, तो हम लिख सकते हैं 19/20 फिर गुना 20/100 अगर है तो 20 5 100 यानी कि यहाँ पर एक हुआ, 5 में एक उसने बैंक में जमा किया तो कितना बचाया 4/5, ठीक है और इस तरह से बचाने के बाद उसके पास 1919 आया, ठीक है यहाँ से कटा लो 19 से कम 19 एक है नहीं खाएगा तो 0 लगा के 19 से कम 19, ठीक है ये होता है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या करो गुना कर लो इसको, ठीक है हम अगर इसको गुना करते हैं तो 4 से ये कटना चाहिए क्या, नहीं कटेगा 4 5 20 रख लो, ठीक है अब 25 देखो आप गुना कर लो इसको, तो हम क्या करते हैं इसको गुना करेंगे कितना होगा 505 × 5 तो 25 × 5 = 2 हो जाएगा यहाँ पे 5 × 0 = 2 अब 25 2 = 2525 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है तो ये तरीका है एक तरीका ये बनाने का। उस तरह भी सोचोगे आप 95 देखो 5% दान किया तो 95/100 लिखना, ठीक है और फिर आप लिखोगे इसको 20% अगर दान किया तो 80/ यानी कि बैंक में जमा किया तो 80/100 लिखना, उस तरह भी बनेगा बना देते हैं देखो x गुना 95/100, ठीक है फिर 20% बैंक में दिया तो 80/100 और फिर 1919 करना और इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है देखो 19 से ही कटा लेते हैं 19 से कम 19 0 19 से कम 19 19 5 95, ठीक है यहाँ से कट गया ये जीरो कटा लो इसको 4 लिख दो इसको 5 लिख दो, ठीक है 5 से इसको कटा लो 20 5 100 कटा लो, ठीक है 4 से कटा लो 4 5 20 कटा लो कितना हुआ 5 6 25 25 से कम 25 × 5 हासिल 2 25 × 0 तो 25 वही 2 जो हासिल है 2 लिख दो अब 25 से कम 25 देखो 2525 आया तो ये तो विधि भी आपको समझ में आना चाहिए दोनों तरीका सिखा दिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर सवाल, देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है आसान लग रहा होगा क्वेश्चन अच्छा है आसान है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोग बना सकते हो। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि 3600 रुपया बचत करती है उसकी कुल आय कितनी है, तो वही एक्स मान लेना कुल आय और देखो बचत कितना है 3600 रुपया बचत है, ठीक है देखो एक विधि तो और था, ठीक है एक विधि और था कि 100 मानकर भी हम चल सकते हैं खर्च करके यानी कि माइनस कर करके हर बार, लेकिन वो विधि काफी समय लगाएगा हमको। देखो आप लोग का स्टार्टिंग में भी यही तरीका आप लोग सीखे होंगे और इसी से फास्ट कर लोगे एग्जाम में देखना हो जाएगा। नीलम अपनी कुल आय का 20% क्या करता है मकान के किराए पर देता है, तो अगर बचत में जा रहा है हम लोग कहाँ पे जाना है बचत में, तो कितना खर्च किया है 20% खर्च किया तो कितना बचाया
ठीक है, अगर 20% मकान में दिया तो कितना बचा है 80, तो एक्स का 80/100 कर लो, खुद बनाओ, वीडियो पॉज करो, बनाओ, बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद कहता है 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, कितना बचाया, 70 चला गया 100 में, तो 30 बचाया, तो 30/100, ठीक है। और उसके बाद इतना करने के बाद ही उसको कितना बच जाता है, 3600 बच जाता है, बराबर 3600, ठीक है। यही करते हैं, ये हम घटा क्यों रहे हैं, ये बचत में जा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको बचत दिया हुआ, इसीलिए हम बचत में करके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझना आप। तो देखो 0-0 कटा लो, 0-0 कटा लो, ठीक है, 4 × 2 = 8, आधा आधा कर दो ना, 4 × 5, ठीक है, अब नहीं कटेगा, 4 से कटा लो, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 900, ठीक है, 3 से कटा लो, 3 × 3 = 900, 300, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो तो देखो वहां पर क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15,500, क्योंकि हम 5 × 3 कर दिए 15 और 2 × 1 = 3 डाल दिए यहाँ पे, 15,000 रुपया उसका आंसर हो जाएगा, है ना सर, ठीक है। और भी तरीका है, बहुत तरीका है, आप जिससे बनाना चाहोगे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक तरीका कोई भी सीख के रखो और बना लो, बन जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए जरूर, काफ़ी मेहनत करते हैं, ये वीडियो रात में हम बनाते हैं, क्योंकि दिन में तो इतना बिजी रहता है और इतना लोग आते रहते हैं, और दूसरी बात कि बगल से बहुत सारे ट्रैफिक गुजरते रहते हैं तो आवाज़ वगैरह बहुत करते हैं, इसलिए रात में बनाता हूँ, और करीब अभी 12 या 1 तो बज ही गया होगा रात, ठीक है, और ये वीडियो सुबह अपलोड होती है, ठीक है, हो सकता है ये रात में ही अपलोड हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर हम लोग अगले पार्ट को जानेंगे, यहाँ से पार्ट 6 जानेंगे, और हो सकता है मैं उसका वीडियो अभी ही अपलोड कर लूँ, ठीक है। तो चलिए अपलोड नहीं, अभी बना लूँगा और अपलोड कर दूँगा आपका सुबह नहीं शाम तक ही कर दूँगा। तो चलिए, तो लाइक कर देना यार, और शेयर कर दो सबको, ठीक है। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप ना डिस्क्रिप्शन में भी चेक करो, या फिर आई बटन चेक करो, यहाँ से पार्ट 6 देंगे। देखो पार्ट 6 का क्वेश्चन देता हूँ क्या है, देखो चुनाव पर आधारित प्रश्न है पार्ट 6, ठीक है। और कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम जो इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे बहुत ही अच्छा से बताएंगे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मैं लिंक जरूर आपको आई बटन पे दूंगा, या फिर स्क्रीन पर भी तो देता हूँ, वहाँ पर भी आप टच करोगे, जो आपको आता होगा एक आयताकार के रूप में उसको टच करो, पार्ट 6 आपको मिल जाएगा, टाइप 6, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का टाइप 6 देखेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हर टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5ों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो 5 नंबर सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा और टोटल क्वेश्चन को मैं एक साथ अभी सॉल्व कर दूंगा, ज़्यादा भी लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ अभी परसेंटेज का। पूरा टाइप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ से आप देख लेना, या फिर आई बटन में पिछला टाइप का क्वेश्चन रहता है वहां से देख लेना। इससे क्या होगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन बनने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है मेरी कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ो ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन में। तो चलिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन यानी कि 5ों क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है और टोटल 5 क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित प्रश्न का टाइप 6 है, ठीक है। तो टाइप 6 को पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवारों के कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, याद कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी है ना, तो मेरा एक ट्रिक है यहाँ पे, और वो ट्रिक क्या है कि आपको जीत बराबर का फॉलो करना है, जीत बराबर। ये चुनाव पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जीत बराबर जीत। हाँ, बहुत बच्चे हार बराबर हार से भी इसको बनाते हैं,
ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन हार करने का मतलब होता है माइनस करना और जीत करने का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, तो प्लस करने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग जीत बराबर जीत से करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप जब आएगा परीक्षा में पास फेल का, तो उसमें पास बराबर पास से बनाएंगे, ठीक है, आप धैर्य रखिए, आसान लगेगा। आप देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, तो जीत बराबर जीत कर दिए। अब आगे कहते जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, इसको मिल गया 65%, हम ठीक है इसको लिख दिए 65%, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर जीतने वाले को 65 मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 35, क्लियर है, क्योंकि 100% में ही सारा चीज हमको सोचना है। तो अगर इसको 65 मिला है तो इसको मिलेगा 35% इस आदमी को मिला होगा, दूसरे वाले को। लेकिन एक बात बताओ, हम ऊपर में जीत लिखे हैं, लेकिन ये तो हार रहा है ना, ये 65 वाला जीतेगा और ये वाला मेरा हारेगा, लेकिन अब इसको भी जिताना है, कैसे? आगे पढ़ो, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? ये मेरा, ये 900 मत से ये विजय हुआ। हम कहेंगे क्या, अगर हम इसको 900 मत दे दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जीत जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब बराबर हो गया मेरा इक्वेशन, जो हार रहा था उसको हम क्या कर रहे हैं, 900 दे रहे हैं, ये तो जीत रहा है, ये 900 से हार रहा है, यानी कि 900 मतों से हार रहा है, 900 जोड़ दिए। अब ये इक्वेशन बना, आप 100% निकाल लो, तो देखो परसेंटेज आपस में मिलके घट जाएगा, तो 65 में 35 घटा लो, 5 में 5 जीरो हो जाएगा, 6 में 3 हो जाएगा 30, यानी कि 30% बराबर आपका 900, 30% बराबर क्या हो जाएगा 900। तो हमको क्या चाहिए, 100%, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में बोल रहा है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, यानी कि 100% आपको निकालना है। तो 900 बटा 30 गुना 100, ठीक है, देखो 00 कटा लो, 30 से कटा लो, 30 3 3 9, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3000 आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन अगर आप एग्जाम में हो ना, तो एग्जाम में ऐसे कटा देना, 30 तिया 90 होता है और 0 हो जाएगा, और इसको इससे गुना कर देना तो 3000 हो जाएगा, है ना आसान, क्लियर है। पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखो आपसे बनता है या नहीं बनता है, दूसरा नंबर सॉल्व करो। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब देखो यहां हार रहा है, हम बोलेंगे ट्रिक क्या बताए, जीत बराबर जीत, बस एक के ट्रिक है यही, और इसी से सब सवाल बनाएंगे, दूसरा नंबर सवाल। तो जीत में बताओ कि कितना परसेंट लाया, तो 45% ये लाया, लेकिन जीता तो नहीं है, हारा है। अगर ये जीताना है फिलहाल, अभी रुक जाओ, 45% ये है, और इसको कितना मिला है, 55%। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी काम होगा ना वो 100% में ही होगा, तो इसको 45% मिला और इसको 55% मिला, लेकिन कौन हारा, ये हारा, कौन जीता, ये जीता, जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा वो जीता है। अब कितना मतों से हारा है वो पता कर लो क्वेश्चन में, तो देखो ध्यान से कहता है 1000 मतों से चुनाव हार गया, हारने वाला तो ये है ना, हम इसको कहेंगे बाबू ले लो 1000 और जीत जाओ, ये जीत गया, अब बराबर हो गया, दोनों जीत बराबर जीत कर दिए। अब देखो 45 और 55 एक तरह से अपना संबंध स्थापित करेगा और घटेगा, 55 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि बराबर के उस पर जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस में होगा, तो कितना बचेगा, 10%, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, 100% कुल मत, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 बटे 10 गुना 100, 00 कटा लो और सभी जीरो को मिला दो, 3 4, इतना रुपया नहीं मत, इतना मत आंसर, ठीक है, टोटल कितना मत हो गया, 10000 मत हो गया, आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दो नंबर सवाल बन गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको पसंद आता हो मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लेना, लेकिन लाइक और कॉमेंट जरूर करना, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं तीसरा में, अगर हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो कहता है एक चुनाव में
तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब देखो यहां से थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवारों को 45% मत मिला तो ठीक है, जीता जो उसको 45 मिला, पहले मिला कितना कितना वो पता कर लो, 45% मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिला। एक बात बताओ, 45 मिला 25 मिला तो अगले को कितना मिलेगा, 30 क्यों मिलेगा, 45 मिला 25 मिला और अगला को कितना मिलेगा, तो पता करने के लिए 5 5 10 की जोड़ से 4 2 6 170 तो अगला को 30 मिलेगा, ये तो आपको पता हो गया। 100 में ही सोचना तो हम समझ गए सर, एक को मिला 45, एक को मिला 25 और एक को मिला 30, 100 को बांट दिए हम लोग, दो का दिया था एक का नहीं दिया था, तुम कर लिए ऐसा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से ही रिलेशन जोड़ेंगे। अब आगे कहता है तीन उम्मीदवार में जो था 45 मिला और 25 मिला और एक तो 30 नहीं मिला, वो हम निकाल लिए। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, दूसरा स्थान पे कौन रहा होगा, ये रहा होगा दूसरा स्थान पे और ये रहा होगा पहला स्थान पे, तो ये तो मेरा जीत गया, यानी कि इससे कोई मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है इन दोनों से, यानी कि 45% और 30% में संबंध क्या स्थापित हो रहा है, कितना मत से ये बेचारा हार गया पता कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में कितना मत से हार गया, 4500 मतों से चुनाव हार गया, ये हार गया ना, इसको अगर हम 4500 मत दे दें तो क्या मेरा इक्वेशन बराबर नहीं हो गया, यानी कि ये भी जीत गया और ये भी जीत गया, तीसरा पार्टी तो बहुत कम आया, उसमें क्या सोचना, ये तो खत्म। तो देखो इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, 45 और 30 में अंतर कितने का है, 15% का अंतर है ना, तो 15% के बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4500। हमको क्या निकालना है, कुल मत, लास्ट के क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो, देखा है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो कुल मत होता है हमेशा 100%, तो हमको इसको सॉल्व करना, 15 + 45 300 × 100 यानी कि देखो 1% बराबर 300, ऐसे भी सोच सकते हो, 1% बराबर 300 तो 100% दोनों जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 30,000 आंसर हो जाएगा, है ना आसान, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। उसी तरह क्वेश्चन 4 बना लो, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, तीन पक्षीय मतलब तीन आदमी खड़ा हुआ था चुनाव में, और एक को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, बी को 48% मत मिला। अब देखो बी को मिला, हम समझ गए कि ए बी और सी तीन लोगों ने मत यानी कि चुनाव को लड़ा है और बोला है क्या कि ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, इसको 10 मिला और बी को 48 मिला, ठीक है, तो 40 10 50 58% आ गया, 59 60 2 और उधर 40 40 2 42, इसका मतलब सी को मिला होगा 42%, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर इसको 42% मिला है तो ये तो खत्म, इससे कोई मतलब है, जीते हारेगा तो यहीं, ठीक है, जो भी तुलना होगा इन दोनों में होगा, ठीक है, सो अफसोस जो कर रहा होगा ना ये वाला कर रहा होगा, काश हमको 6% और मिलता तो हम जीत जाते, ठीक है, लेकिन 6% नहीं, ये सोच रहा है दो तरीका से कि 6% मिलता, लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि वह कितने मतों से, 1200 मतों से चुनाव जीत लिया, यानी कि ये 1200 मत लाया है, ज्यादा ज्यादा लाया है तभी तो जीता इससे, ठीक है, तो ये हमेशा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा होगा, काश हमको 1200 मत मिल जाता, या फिर ये क्या बोल रहा होगा, काश हमको 6% मिल जाता, इसका मतलब हम बोल सकते थे यहाँ पे कि 6% बराबर है 1200, क्यों, क्योंकि ये 1200 मतों से अगर ये जीत गया है तो इसको 1200 दे दो तो मेरा जीत जाएगा ये भी, ठीक है, अब परसेंटेज इधर लाओगे तो 48 मेरे 6% बराबर 1200 होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, यही कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, ट्रिक नहीं है ज्यादा हार्ड, ठीक है, आसान है, बस सीखो, बनेगा कहीं नहीं बनेगा, 42 में 48 जाएगा 6% होगा और बराबर 1200, ये सब सवाल नहीं बनेगा तो ऐसा हो नहीं सकता, 100% निकाल दो, तो देखो 100% निकालने क्या बताया, इसको काट दो 6 × 12 यानी कि आंसर 20,000 लग रहा है, ठीक है, तो आप लिखो 1200 × 6 × 100 × 6 × 12 सब जीरो पुट कर दो, चारों जीरो लगा दो, तो 20,000 मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बना लो, देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ खुद बनाओ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है क्या एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया,
याद कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। यही क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बात को समझना यह है कि हुआ क्या, कि देखो वोट तो 100% का हुआ था, ठीक है 100% का आदमी गया, लेकिन इसमें से वैध और अवैध की बात क्या है? तो एक बात बताओ, अगर वैध मत गया है तो कितना अवैध गया है, तो 80%। 80% क्यों? क्योंकि हमारा वैध 80 है और अवैध 20 है, ये तुमको पता है, तो ये मेरा 20 है। अब इसमें ये 80 खुद का 100 हो गया, और इसमें से आपका कितना कितना ला रहा है, एक ने कितना लाया है? अब कहता है कि रावत वैध मतों का, तो ये तो वैध मत का, इसने कितना लाया है 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। अगर इसने, सुनो हारने वाला क्या लिखते हैं, इन्हें 40% ये लाया, तो ये कितना लाया 60%, ठीक है 60% लाया, तो जीत और हार का फर्क कितना परसेंट में हुआ, 20% में, यानी कि ये कितने परसेंट से हार गया, हारा हमारा 20%। बस इतना चीज तो आपको माइंड में ही सोच लेना है, और ये आप सोच सकते हो, ठीक है। अब रही बात क्या कि कुल मत का, देखो कुल मत तो 100% था, यानी कि कुल मत का कितना परसेंट, 80% सही था कुल मत का, ठीक है। जो हार रहा है उसका एक अंक दिया होगा, देखो 1600 मतों से पराजित हुआ है, और ये 1600 मतों से पराजित भी हुआ है, पराजित, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोच लो, कुल मत का 80% का मान गुना, यानी कि का लिखते हैं समझ में आएगा, का 20% बराबर है मेरा 1600, यानी कि कुल मत जो पड़ा उसमें वैध मत 80%, 80% का जो 20% आएगा, क्योंकि 20% से हार रहा है, तो बराबर 1600 दिया। कुल मत को मान लो x, यानी कि x गुना 80/100 गुना 20/100 बराबर 1600, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 20/500 हो जाएगा, ठीक है, और 16/50 हो जाएगा, ठीक है 16/50 यहाँ 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, 16 × 1 = 16 हो जाएगा, 0 0 क्रॉस गुना कर दो तो क्या आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 2 3 4, इतना मत मेरा आंसर आ जाएगा, 10,000 मत है, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आसान लगा होगा आपको, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और कितना आपका हम हेल्प कर पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं इन्हें हमसे, और कोई अगर आप इसमें नया चीज़ जानते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा हमको कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर दीजिए। चलिए तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अगला टाइप 7 जो होगा ना बहुत अच्छा टाइप होगा, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, अगला जो टाइप होगा क्या होगा 7 नंबर, मिश्रण पर आधारित होगा, और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम उसका आपको लिंक वहाँ पे आई बटन पे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देंगे, और क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा अगला टाइप में, ठीक है। क्या रहेगा वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, देखो देखिए क्वेश्चन है मिश्रण पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें से 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना, जरूर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, ठीक है। और यह मैं बहुत ही आसान विधि बताऊंगा, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, इसका पार्ट आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो गुड बाय। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखेंगे, और ये टाइप 7 होगा, बहुत आसान विधि से बताऊंगा, और टोटल 4 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पूरा वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, किस तरह से इसको हम आसान विधि से बताएंगे, मेरा कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न टाइप 7 है, चार चार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चारों क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सब क्वेश्चन अलग अलग विधि से बनाने का यहाँ पे बताया गया, यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग कर दिया गया, तो हम आपको हर क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से, यानी कि एक कॉन्सेप्ट वे में बताएंगे, ट्रिकी वे में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होइए, देखिए कैसे बनाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, मतलब 15 लीटर का घोल है और 40% चीनी है, चीनी के साथ क्या घुलेगा, पानी, तो पानी रहा होगा, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है,
तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए, चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब टारगेट हमारा चीनी निकालना है, ठीक है, चीनी निकालना है और फिर उसका प्रतिशत, यानी कि 3 लीटर जाने के बाद 15 लीटर घोल है, 3 लीटर उसमें अगर जा रहा है पानी तो 18 लीटर का घोल बन रहा है, लेकिन अब चीनी का क्या है तो 40% चीनी है, पहले 15 लीटर का 40% निकाल लो। तो देखो पहला क्वेश्चन आप क्या बनाओगे, 15 का 40% अगर निकालते हो तो कितना निकलेगा, 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60 बटे 10 होगा, 0 0 कट जाएगा, तो यानी कि 6 लीटर मेरा चीनी है, 6 लीटर 6 केजी जो समझो, ठीक है, चीनी हो गया हमारा। अब यहां से क्या होता है कि यहां से आपको यह समझना है कि हमको निकालना किसका परसेंट है, चीनी का परसेंट निकालना है, तो चीनी का जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं ना उसको ऊपर रखते हैं, 6 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा आपका कुल बिलियन हो जाएगा, कुल जैसे कि आपका नंबर, जैसे कि आप मैट्रिक में परीक्षा दिए होंगे तो आप परसेंटेज कैसे निकाले थे, जो पास नंबर लाए थे ऊपर रखे होंगे और फुल मार्क्स नीचे रखे होंगे, उसी तरह से जो बिलियन हो गया, जो घोल हो गया, टोटल घोल जितना हो गया वो आपको नीचे रखना। तो टोटल देखो 15 लीटर था ही और इसमें 3 लीटर हम क्या मिला रहे हैं, 3 लीटर उसमें पानी जा रहा है, क्या जा रहा है हमारा, पानी जा रहा है, तो 15 लीटर का घोल में 3 लीटर अगर पानी चल जाएगा तो कितना लीटर हो जाएगा, 18 लीटर, तो यहाँ पे 18 लिख देना और गुना 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा चीनी, यानी कि क्वेश्चन में एक लास्ट में बोला है घोल में चीनी का प्रतिशत, तो ये हमारा चीनी का प्रतिशत हुआ, चीनी का परसेंट, ठीक है। अब 6 × 18 तो 33.1/3% मेरा चीनी का प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि इसको इससे भाग दे देना आंसर आ जाएगा, क्लियर है, पहला क्वेश्चन बन गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 2 भी आपका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है लेकिन आप बना सकते हो, बनाओ, देखो क्या कहता है, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, समझना बात को, बालू और लोहे का 10 केजी मिश्रण है, 10 किलो मिश्रण है, ठीक है, और हमको कितना दिया गया है, 20% हमको क्या दिया है, लोहा दिया है, तो लोहा की मात्रा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो हम ना डायरेक्ट निकाल सकते हैं लोहा कितना परसेंट है, किसी भी संख्या का हम बताए थे आपको, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव दे दो, तो 1 किलो होगा 10%, तो 2 किलो हो जाएगा मेरा, यानी कि लोहा 20% 2 किलो होगा, नहीं समझ में आया, 10 × 20/100, 20×5 5×2 = 10 बराबर 2 केजी, 2 केजी मेरा क्या हुआ, लोहा हो गया, ठीक है, तो वही हम 2 केजी लोहा लिख दिए। अब अगर मेरे पास 10 केजी में 2 केजी लोहा है तो दूसरा क्या है, लोहा के बाद क्या है, बालू, और बालू कितना हो गया, तो बालू हो गया मेरा 10 − 2 = 8 केजी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना मन से कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट आसान है आपका निकालना। अब यहाँ से आगे पढ़ो तो कहता है कि 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्या, अब देखो उसमें क्या मिला रहा है हमको, क्वेश्चन में मिला क्या रहा है, कितना बालू और मिला दिया जाए, तो फिलहाल तो लोहा ठीक है, तो बोलेंगे चलो लोहा तो 2 है, बालू मिला रहा है, बालू 8 है, तो मिलाना का मतलब उसकी वृद्धि करना, +8 कर देना, इसमें +x कर देना, x मिला दिया जाए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, बालू x मिला दिया जाए, तो बराबर क्या होना चाहिए, तो कहता है कितना हो जाना चाहिए, लास्ट का लाइन पढ़ो कि लोहा 10% हो जाए, लोहा 10% हो जाए, समझना बात को, तो लोहा तो ऊपर लिखे हैं, ये 2 लोहा है, तो लोहा 10% हो जाए तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो नीचे मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 क्यों होगा पता है आप लोग को, क्योंकि 90 और 10 100, अगर 10% लोहा होगा तो 90 मेरा क्या रहा होगा, रेशियो में 90 मेरा बालू रहा होगा, तो यही तो है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक है, तो आप इसको आप बना लो, देखो आप इसको क्या करो, 0 0 कटा लो, ठीक है, और इधर उधर गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा, 8 + x = 9 × 18 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 18 − 8 = 10, ठीक है, यानी कि मेरा 10 आंसर हो जाएगा, 10 केजी, ये कितना मिला दिया जाए, क्या मिला रहे थे हम लोग, बालू, कितना बालू मिलाएंगे, 10 किलो, क्या हो जाएगा मेरा परसेंटेज घट जाएगा, पहले 20% था अगर मिश्रण में क्या लोहा, तो अब 10% हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, बस सीख के रखना है, प्रैक्टिस रखना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 भी आप आसानी से बना सकते हो, बना के देखो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कहता है क्या कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, कितना है, 40 लीटर अगर विलयन है, 40 लीटर का विलयन है और 25% मेरा अल्कोहल है, तो अल्कोहल की मात्रा अगर हम निकालते हैं तो 40 गुना
25 बटे 100, 25 चौके 100, 4 दंग 40, बराबर 10 लीटर अल्कोहल है। दूसरी बात, अगर आप इसको बिना पेन चलाए निकालोगे तो हम आपको बताए थे किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो आप आसानी से एक अंक के बाद दशमलव दोगे। तो 10% 4, फिर अगला 10% 4, 10 10 20 और 20 हो जाएगा 8, और फिर 5% 4 का आधा 2, तो 8 में 2 जोड़ दो, क्या होगा 10 लीटर। ठीक है, नहीं समझे, देखो 40 लीटर है ना मेरे पास, तो हम इसका अगर 10% निकालेंगे तो निकलेगा 4, फिर 10% निकालेंगे तो निकलेगा 4, और 5% निकालेंगे तो 10 का आधे को 10, 10 का आधा 5, तो 4 का आधा 2, तो 25% बराबर मेरा कितना हो जाएगा 10। और ये काम आप ना माइंड में कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप इसी तरह से निकालो। तो 10 लीटर मेरा क्या हो गया, मेरा अल्कोहल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अगर 40 लीटर मिलियन में 10 लीटर अल्कोहल है तो वाटर कितना है, तो वाटर हो जाएगा मेरा 40 माइनस 10 बराबर 30 लीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को समझ लेते पहले। देखो अभी तो अधूरा ही पढ़े थे, 25% होगा, उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि 20% हो जाए, यानी कि क्वेश्चन देखो कहता है क्या, उसमें अल्कोहल कितना है, कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, ठीक है, 20% होता, कम डालना है हमको कितना अल्कोहल, तो हम बोलेंगे क्या सर 10 है ना, 10 अल्कोहल है, कम कितना डालेंगे, तो एक्स डाल दीजिए, अब बटा 30 बराबर कितना कम होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए अल्कोहल, लास्ट वाला लाइन को पढ़ो कि कहता है कि 20% हो जाए, क्या हो जाए 20%, अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए। 20% का मतलब अगर ये 20 मेरा अल्कोहल हो रहा है, 20% हो रहा है, तो इसका मतलब पानी मेरा 80 हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो आंसर पाओगे, तो 20 चौके 80, ठीक है, इधर गुना कर दो क्रॉस, ठीक है, 4 दंग 40 माइनस 4x बराबर 30, ठीक है, यहाँ एक है ना, इसको गुना कर दिए। अब देखो इसको 4x को उधर ले आओ, 30 को इधर ले आओ, तो क्या होगा, देखो 40 माइनस 30 तो 10 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा मेरा 10, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 4 बराबर कितना होगा, 4 दोनों 8, दो बार में 2 बचा, 4 पंचे 20, 2.5 लीटर मेरा आंसर होगा, ठीक है, 2.5 चौके 10 होता है ना आसान, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान है। देखो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अगर आप इसको एग्जाम में बनाओगे तो बहुत जल्दी बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए अगर 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, दो धातु है तो पहला धातु और दूसरा धातु निकाल लेते हैं, फिलहाल है कितना 25 ग्राम मिश्रण है, तो 25 ग्राम मिश्रण में कुछ तो बोला होगा परसेंट, 40% पहली धातु है, पहली धातु निकाल लो, तो 40/100 निकाल लो, तो देखो 0 0 कट जाएगा, 5 × 10 25, 2 × 4 5 × 10, यानी कि 10 लीटर मेरा क्या है पहली धातु है, ठीक है। अगर 10 ग्राम है, ग्राम तो 10 ग्राम अगर पहली है तो दूसरी कितना है पता कर लो, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कितना टोटल दिया है, टोटल हमको दिया है 25, तो अगर 10 है तो ये मेरा 15 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, अगर ये 10 है तो ये मेरा 15 हो जाएगा। और हमको यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है क्या कि दूसरी धातु दूसरी धातु कितना कम कर दी जाए, तो इसको कम करना, यानी कि इसको रेशियो में अगर समझते हो तो 10/15 माइनस एक्स बराबर कितना परसेंट हो जाए, 50% हो जाए, क्या हो जाए पहली, यानी कि कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, यानी कि ये अगर 50 होगा तो नीचे भी तो 50 होगा, 50/50 100, ये कटेगा एक बार में, इधर गुना, तो क्या हो जाएगा 10/15 − x, ठीक है, इस x को इधर ले जाओ, x = 15 − 10 बराबर, x बराबर क्या हो गया 15 × 10 जाएगा 5 ग्राम, आंसर आपका हो गया, क्लियर है। ऐसे बनता है सारे क्वेश्चन, आपको सॉल्व करा दिए, कैसा लगा कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, और इसके बाद आगे की जो टाइप होगा ना वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा और वो टाइप 8 होगा, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, या फिर आई बटन चेक करो, वहाँ से अगला पार्ट या फिर स्क्रीन पर आ रहा होगा उसको टच करो, टाइप 8 को भी पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान विधि है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज का जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैं टोटल 4 क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और टोटल यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बहुत आसान होता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, लेकिन बच्चे कहाँ पर, स्टूडेंट कहाँ पर गलतियाँ करते हैं वो चीज़ मैं बताऊँगा। और काफ़ी कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं बताऊँगा, आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा और आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आज हर टाइप का क्वेश्चन जितना भी परसेंटेज में सारे वीडियो को बनाकर आपको देता रहूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाते हैं। और शेयर करने नहीं भूलना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये टाइप 8 है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। और इससे पहले मैं आप लोगों को टोटल 7 टाइप तक जो बताया हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से उसको देख लो, शुरू से देखो। आपका परसेंटेज से हर टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपसे बन जाना चाहिए। तो उधर मैं सगीर अहमद भी बता रहा हूँ, वो भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट होगा प्रतिशत से, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से करा दूंगा। तो आपका कैसे छूटेगा एग्जाम में, सवाल नहीं छूटने दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहो। दूसरी बात कि अभी जो ये 4 सवाल है, इन 4 सवाल में से जो चौथा सवाल है और दूसरा सवाल जो है देख ले सकते हो, दूसरा सवाल में फ्रैक्शन में दिया हुआ है साल को और चौथा सवाल में थोड़ा अजीबोगरीब लिखा हुआ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी एग्जाम में। तो हम जो इस सवाल को बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो तरीका बहुत है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका से हम बताएंगे आपको, बहुत सारे तरीका होता है बनाने का। लेकिन जो सबसे फास्ट तरीका होगा, जो आपके ब्लडिंग किया हुआ है शुरू से बचपन से, जो आप जानते हो एक्स विधि से, वही यहाँ पे आपको फास्ट करेगा, ठीक है। तो हम उसी चीज को मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छे से बता देंगे ना, तो आप तुरंत बना लोगे। बस समझने की कोशिश करो और समझ जाओगे, आसान विधि से बताऊंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। देखो, नगर में जनसंख्या है और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1,00,000 है, 1,00,000 है ना। तो उसके बाद कहता है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। देखो, जनसंख्या वाला सवाल जो होता है, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत बढ़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक सूत्र की यूजेज होती है, P(1+R)/100T। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा अमाउंट है, यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन होता है ये होता है, ठीक है। और उस ढंग से ये चलता है, तो हमको ये सूत्र नहीं चलाना है, ठीक है। जाएंगे वहीं पे, इसी सूत्र में आएंगे, लेकिन हम लोग को एक मॉडिफाई करके इसको रखे हुए हैं, यानी कि एक ट्रिकी वे में रखे हुए हैं, जो कि आसानी से इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम लोग साइड साइड से, जिसको बोलते हैं पतली गली, उस गली से निकल जाएंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो क्यों इसी लफड़े में फंसे। और इसमें लफड़ा क्या है कि यार दर रखो, समय रखो, उतना टाइम गुना करो, एलसीएम लो, कटाओ, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। और हम आपको फ्रैक्शन विधि से डायरेक्ट बता रहे हैं, देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। सबसे पहली बात, अगर ये 10% बढ़ती है ना, तो इसको क्या करना, 10/100 समझना, ठीक है। और ये 0,0 कटा देना। तो देखो, जब मेरे पास 10 है, टोटल अमाउंट मेरे पास 10 है, अमाउंट की बात यहाँ इसलिए कर रहा था कि आपको समझ में आ जाए, यानी कि जनसंख्या अगर 10 है तो 1 की वृद्धि हुआ तो कितना हुआ, 11। और इस तरह से वो कितने साल तक होगा, 3 साल तक होगा, 3 ईयर हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1,00,000 लिख लेंगे। हाँ, 1,00,000 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 3 टाइम, क्या करेंगे, 10 है मेरे पास तो 1 बढ़ा तो क्या हो गया, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको 3 साल तक बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ से 0,0 तीनों जीरो कट जाएगा,
कट गया। अब इसको आप गुना करो, 11 गुना 11 और गुना 11 थ्री टाइम करोगे ना, तो देखो आपको क्यूब तो पता होगा, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो आप 1331 लिख लो और इसमें ये जीरो दोनों जीरो डाल दो, ठीक है, तो इतना मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये आसान तरीका हुआ। अब रही बात कि ये हम कैसे किए, ठीक है, तो 10 था, एक बढ़ाए, 3 साल तक 11 हुआ। हुआ क्या कि आपको जो सूत्र बताए थे P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर T, वो इसी का ये यही चीज़ मॉडिफाई किया हुआ रहता है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं अगर है तो आप देखो, हम दिखा रहे हैं कितना परसेंट बढ़ रहा था क्वेश्चन में, 10% बढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पर तो आप 100,000 लिखोगे, अरे इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 पर पावर 3, 0 0 कटाओगे तो फिर लिखोगे 100,000, और इंटू देखो 10 और 1 11, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11 बटा 10 का क्यूब होगा, होगा ना, और इसको 3 टाइम लिखोगे, गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10, यही ना करोगे। तो यही चीज़ों को लिखने के लिए हमको ये पहले तो सूत्र सोचना पड़ा, फिर हमको ये सोचना पड़ा, फिर ये सोचना पड़ा, ठीक है। यानी कि सोचना क्या, इसे इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ा और तब जाके आंसर में आए। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट क्यों ना सोचे, 10 में 1 बढ़ा दें, 11 बढ़ा दें, ठीक है। और हर सवाल ऐसे बनाएंगे, लेकिन हाँ आपको हर विधि से हम बता देते हैं ताकि अगर कोई बताए तो उसको आप बोल देना कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ और मैं ये भी पढ़ा हुआ हूँ चंदन सर से, मेरा नाम चंदन सर है, सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझो, अगर इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे तो देखो 10% जब बढ़ गया था तो 10 बटा 100 कहे थे तो 0 0 कटाए थे, तो ये 3 वर्ष था ना, तो 10 में 1 जोड़ दो, 10 में 1 जोड़ दो, 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 ये मेरी प्रारंभिक राशि है, यानी कि इनिशियल मान है, और ये मेरा फाइनल मान है जिसको इनिशियल फाइनल बोलते हैं। फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 तीन बार लिख देंगे और इसको गुना करेंगे, तो देखो इधर ये रेशियो में होता है ऑलरेडी, तो ये कटता है, कोना कोने आप कटा सकते हो, लेकिन कटने लायक नहीं है तो आप इसको गुना कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, ठीक है। 11 का क्यूब ये सारे को गुना कर दिए हैं और इसको भी हम यहाँ पे गुना करके लिख दिए। अब क्या करो, इसकी मान किसी में दिया रहेगा तो प्रारंभिक मान आपको दिया हुआ है, इसका जो है ना मान आपको दिया हुआ है, यानी कि 1000 यूनिट का मान दिया 100,000, यानी कि प्रारंभिक मान दिया 100,000 दिया है, हाँ 100,000 हो गया। अब इसको किससे गुना करें कि ये 100,000 हो जाए, तो देखो ऑलरेडी 3 जीरो है ही, तो 2 जीरो यानी कि 100 से गुना करना होगा, तो आप इसको भी 100 से गुना कर दो, तो कितना आंसर हो जाएगा 1331 00 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी लॉन्ग विधि होता है, लॉन्ग विधि अगर बनाओगे तो कहोगे कि चलो उसे उसका जनसंख्या 100,000 है, ठीक है, और कितना परसेंट बढ़ा पाला 10%, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 और गुना 110 बटा 100 थ्री टाइम, और इसको कटा लेना 2 2 4 0, ठीक है, 1 0 यहाँ से कटा लेना, फिर 1 0 यहाँ से कटा लेना, और 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो कितना होगा 1331, और 1 2 0 इसमें डाल दोगे तो ये मेरा आंसर रहेगा। हर टाइप से पढ़ा दिया, हर टाइप से आप बना सकते हो क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, ऐसा ना हो कि आपको ऊपर ऊपर रख दिए और कोई भी सवाल बनाइए बहुत अच्छे से बनाइए। और इसकी बाद एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जनसंख्या वाला ये 4 क्वेश्चन अगर हम लाए आपके पास तो ये 4 क्वेश्चन से बनाने से आपका नहीं काम चलेगा, और भी यहां पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल ये 4 आप अभी कवर करके रखो, कोई भी एग्जाम होगा तो वहां काम करेगा ही, लेकिन पीटी अगर निकलेगा तो हो सकता है मेंस लेवल का एग्जाम ना निकले, तो इसके लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक रहे, या फिर आई बटन चेक करना, वहां लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो, 2 सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2.35 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो गया होगा कि 2.35 वर्ष ये काहे दे दिया है, टेढ़ा मेढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी परेशानी करता है ये स्टूडेंट को, देख के ही डर जाता है, लेकिन हम आपकी डर को भगा देंगे, डर को ख़त्म करेंगे, बस देखो बने रहो। और लाइक क्यों नहीं करते यार, लाइक करने में क्या जाता है आपका, ऐसा तो नहीं है कि पैसा कटता है आपका लाइक करने में,
कर दो लाइक। लाइक करोगे तो हमको अच्छा लगता है ना, मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में होगा, हो सकता है वायरल हो, बहुत सारी बातें होती है। लाइक करने से अच्छा मतलब लगता है कि हाँ चलो पसंद आ रहा है, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो मत करो, जबरदस्ती नहीं करना चाहते आपके साथ। चलो, एक गांव की वर्तमान आबादी कितना है? 40,000 है, ठीक है। तो देखो 40,000 है ना, इस 40,000 के बाद हम लोग क्या करेंगे जानते हो? उसको बढ़ाना है, क्योंकि जनसंख्या अगर वर्तमान है जनसंख्या, तो वो वृद्धि आगे बोला है 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है, ठीक है। तो 5% होता कितना है, सबसे पहले ये समझो, 5% होता है 5/100 हो जाएगा ये परसेंट का, और इसको कटाओगे तो 20/25 हो जाएगा, यानी कि 20 में एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और एक साल में अगर वो 21 हुआ तो नीचे 20 रहेगा। फिर क्या साल तक बढ़ाना है, देखो ध्यान से, 2/3/5, ठीक है। अब ये 3/5 तो आपको टेंशन दे रहा है, तो हम पहले ही दो दो वर्ष बढ़ा लेते हैं, 21/20, ठीक है। और अब ये 3/5 की बात जो कर रहे हैं ना, इसमें हम 5% इंक्लूड करेंगे, और कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 5/100 और गुना करेंगे 3/5, ठीक है। 5-5 कटा देंगे और बोलेंगे कि 100 जब रहा था तो 3 की वृद्धि हुआ था, तो हम यहां पे लिखेंगे 103/100। यही तो मेन है आपका, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? हमको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, और जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, 2 साल के लिए ये 5% का यूज करके बना लिए, 5/100 हुआ, 20/25 कट गया, ठीक है। तो हम बोल दिए कि हाँ 20 में एक बढ़ा, तो 21/20 दो बार लिख दिए, लेकिन ये जो 3/5 था, तो हम 3/5 वो 5% की बढ़ा होगा, तो 5/100 गुना 3/5, 5/5 कटा दो, 100 में 3 की वृद्धि, यानी कि 103/100, ठीक है। जिस तरह यहाँ 20 में एक जोड़ दिए थे, 21 हुआ था ना, 20 में एक जोड़े थे, दूसरी तरह 100 में 3 जोड़ दिए, 103/100। इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर पा लोगे, ठीक है। क्या करो, सब जीरो पहले कटाओ, 2 0 3 4 0, चारों जीरो को कटा लिए, ठीक है। 2 से इसको कटा लो, 2 2 4, और 2 से इसको कटा लो, 2 कट गया। उसके बाद 21 गुना 21 कर दो, कितना होगा, 441 गुना हो जाएगा 103, ठीक है। अब 103 जो है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते थे, 100+3, ठीक है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना कर दो, यहाँ पर यही उपाय ही होता है, ठीक है, ये तो आपको हर कोई बताएगा। तो 4 4 1, और दोनों जीरो के साथ बैठा दो, और इसको 3 से गुणा करो, तो 3 एकम 3, और नीचे लिखो ताकि जोड़ने में आसान हो जाए, 4 3 12 की 2 8 4 3 12 1 13, और इसको जोड़ लो, 3 2 3 1 4, 4 1 5 4, यानी कि 45,423 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तरीका तो है ही, और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। लेकिन देखो, जो आपका माइंड कहे ना, जो आपका जल्दी बना पाए जिस माइंड से, वो चीज़ को यूज करो। हम नहीं कहते हैं कि इस ट्रिक का भक्त बन जाओ और इसी को फॉलो करो, नहीं, आपको हर चीज़ सीखना है और सीख के रहना है, ताकि आपको क्या करे, माइंड जो है जैसा यूज करना चाहे वैसा कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखो, अगर इसको हम इस तरह बनाते कि चलो 20 में 1 बढ़ा 21 बढ़ा, तो हम लिख सकते थे यहाँ पे 21/21, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अभी प्रारंभिक 20 है इनिशियल, और बढ़ गया 21 पहला साल, फिर दूसरा साल 20 था, फिर एक बढ़ गया 21 हो गया, फिर यहां पर जो बढ़ा था 100 से 103 हो गया, तो पहले 100 था और हो गया 103, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, जिसको हम इनिशियल और फाइनल मान बोलते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको, गुना कैसे करोगे, तो देखो 2 2 9 4 लिखोगे, 1 2 2 4 0 डाल दो, ठीक है, और फिर इसको गुना करोगे तो 21 गुना 21 कितना होता है, 441, 441 गुना 103 किए थे, यही तो किए थे, देखो 441 और गुना 103 किए थे, तो टोटल कितना आया था मेरा, 45,423, यहाँ आया 45,423, ठीक है। और हमारा जनसंख्या था कितना, ऑलरेडी यही था, इसका मान दिया हुआ है, और कितना दिया है, वही 40,000 दिया है, ठीक है, 40,000 दिया। किससे गुना करें इसको, 1 से गुना करना होगा तो ये होगा, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया, और ये आया भी है, तो ऐसे भी बना सकते हो। और क्या, एक तरीका और भी होता है, देखो वो भी बता देते हैं, कॉन्सेप्ट इज ए पावर। अगर कॉन्सेप्ट है तो आपके पास शक्ति है, पावर है,
किसी भी तरीके से जनसंख्या वाला आ जाए तो बना सकते हो। एक तरीका और होता है, क्या होता है कि जैसे कि दो पूर्णांक कितना था, 3/3 कितना वर्ष है, 2/3 3/5 वर्ष है, ठीक है। अगर ये है तो हम इसका सूत्र कैसे लगाएंगे, P(1+R/100)T। और यहीं पर फिर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर ही आपको इस 3/5 का यूज करना होगा, ठीक है। और कैसे करोगे यहाँ पे 3/5 का यूज, ठीक है। तो आपको क्या करना, आर का जो मान होगा ना, ये 3/5 इस तरह से हो जाएगा और 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब सूत्र वगैरह पे ध्यान मत दो, काफ़ी समय लगा देगा आपका, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप सूत्र में फंसें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी है। देखो ये 2 साल पहले पूर्व की बात किया है, तो है ना अलग टाइप का क्वेश्चन, और हम आपको बोले भी थे कि हर टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो बना सकते हैं उसको भी आसानी से। क्या कहा है क्वेश्चन में कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, चलो इस समय 6760 है, इस समय वर्तमान में है, ठीक है, और हमको जाना है पीछे, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले आबादी क्या है पूर्व में, हमको अभी है 6760, ये समझना बात को, और 4 साल हमको क्यों ना 2 साल, हाँ 2 वर्ष पूर्व बोला है, तो 2 वर्ष पूर्व की अगर बात किया है तो अब 2 वर्ष पूर्व की बात किया है तो आप इसको मान लो x, ये चलो 2 वर्ष पूर्व मेरा x था, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ो, अब कहता है कि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, चलो 4% कितना बढ़ेगा, 4/100, 4 से कटा लो 25 × 100। अब 25 में 1 का वृद्धि हुआ, क्या हुआ 26, यानी कि 26/25 पहला साल बढ़ा, फिर दूसरा साल बढ़ेगा 26/25। देखो ये ऑलरेडी वही P(1+R/100)T का ही यूज हुआ, लेकिन फास्ट हुआ ना, जल्दी हुआ, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट की तरह एकदम बहुत मजे से सीखेंगे। और बराबर हो जाता है ये जनसंख्या मेरा 2 साल पहले का, इस तरह से बढ़ बढ़ के इतना अभी कितना हो गया है, क्वेश्चन में जो दिया है 6760 दिया, तो 6760 मेरा हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर पाओगे, ठीक है। कैसे, देखो हम जानते हैं कि सर 26 × 26 676 होता है, तो हम लिख सकते हैं x × 676/25 × 25 625 और बराबर 676, ठीक है, 0। ये एक बार में कट गया और 0 हो गया, यानी कि हमको स्क्वायर पता है, 26 का स्क्वायर 676, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अब इसको इधर गुना करना पड़ेगा, तो गुना करोगे तो x बराबर क्या होगा, 6250 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 साल पहले ना इतना जनसंख्या था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान विधि है, कहाँ सूत्र में फंस रहे हैं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को जाने हैं और उस कॉन्सेप्ट से लेके चलना है, बनाना है, ठीक है। 3 नंबर सवाल क्लियर है, चलिए हाँ, अगर दूसरा तरीका से भी इसको बनाओगे ना, तो कैसे बनाओगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तरीका बहुत होता है, जब मैं भी यहाँ खड़ा होता हूँ तो तरीका तो बहुत होता है, लेकिन बात है कि माइंड में आता नहीं है, और जितना आता है उतना निकल जाता है बता के, बाद में जब हम वीडियो कभी देखते हैं तो लगता है अरे और यहाँ ये बताना चाहिए था, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से सब चीज़ बता दें, ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े और तैयारी आपका एकदम परिपूर्ण हो जाए। सुनो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पता है क्या पता है कि सर यहाँ पर 25 से 1/26 हुआ 25 से 1/26 बढ़ा, और यहाँ से डायरेक्ट कटा सकते हैं, देखो 26 6 होता है, ऐसे कटा सकते थे, 6 एक बार में कट गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है, और 25 6 हुआ, 0 बैठा दिया, हो गया। तो तरीका अब यही ज़्यादा अच्छा है, इसी को रखो, ठीक है, काय फंसोगे दूसरे तरीका में। चलो एक तरीका कहते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 500,000 थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जानना है, यानी कि हमको पीछे का दिया है और कितना दिया है, 500,000 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 500,000 में 5 पे 5 0 हो जाएगा 500,000, ठीक है,
हम 5 लाख जनसंख्या लिख दिए। अब यहाँ पे जो परसेंटेज की बात बोला है, 5% घटी, 5% होगा कितना, 5/100, तो 20 × 25 100, 20 में 1 घट जाएगा, ऊपर घट रहा है ना, तो 1 घट जाएगा, तो लिखेंगे हम उसको 19/20। ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे किए, 5% होता है 5/100, 20 × 25 100, 1 घटेगा 20 में 1, तो 19/20, फिर गुना। आगे फिर कहता है क्वेश्चन में कि 8% बढ़ गई, 8% बढ़ने का मतलब हो गया 8/100, 4 × 2 = 8, 25 × 100, 25 में 2 क्या हुआ, बढ़ गया ना, 8% बढ़ गया, तो 25 × 2 = 27, 27/25 हो गया मेरा, ठीक, फिर गुना करो। आगे फिर एक लाइन बोला है कि तीसरे वर्ष 10% घट गया, 10% कितना होता है, 10/100, 10 × 100, 10 में 1 चला जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ध्यान देख लो, 10/100 हुआ, 0 0 कटा, घट रहा है ना, क्वेश्चन में देखो अच्छे से 10% घटी है, तो 10 में 1 जाएगा क्या होगा, 9/10, बस ये हम कर दिए। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, और ये बॉक्स आप भर देना सॉल्व करके, आपका आंसर तैयार है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब हम कटा देते हैं आपको और आंसर ला देते हैं, यही ना बोला है, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या निकलेगा, 0 और 0 कटा लो, ये 0 भी कटा लो, ठीक है, 25 से कटा लो, 25 दूना हो जाएगा 50, और ये दोनों 0 यहाँ डाल दो, ठीक है, और ये 2 से कटा लो, यहाँ कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको अब गुना करना पड़ेगा आपको, अगर आप गुना कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम है। तो देखो जिसका टेबल पता हो ना, तो बहुत अच्छे से गुना कर सकते हो, 0 0 बाद में बैठा देना, 19 का टेबल पता है, 27 से कैसे करेंगे, देखो 19 7 कितना होता है, 33 3 लिखना, हासिल को 13 रख लेना, 19 2 = 38 को इसमें जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, हासिल 1 3 4 1 5 51 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे 51 लिख दिए, और गुना फिर 9 कर लेंगे, बाद में फिर 2 0 डाल देंगे, तो गुना करने के बाद 9 3 27 की 7 हो जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा, 9 1 9 2 11 की 1 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा, 9 5 45 और 1 46 हो जाएगा, और 2 0 यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर तैयार है, 4,61,700 जनसंख्या हो जाएगा। तो ये घटने बढ़ने वाला क्वेश्चन हुआ, और आप इसको भी आसानी से कर पाए ना, तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा जनसंख्या वाला सवाल में, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम जनसंख्या से लेकर आएंगे, और उसका वीडियो आगे चल के आई बटन पे देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसका प्रयोग करके देख लेना। और अभी जस्ट अभी देखो रात का 11:25 हो चुका है, ठीक है, और 1 बजे तक हमको वीडियो बनाना है, और अभी जस्ट फिर बनाना है वीडियो, अभी जस्ट इसका आगे पार्ट फिर अलग अलग करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपका ना हो, और आप परेशान ना हो कि बहुत बड़ा वीडियो है देखें तो कुछ नहीं। तो चलिए एक बार शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि इधर उधर भटक रहे हैं, और अभी तक पता नहीं है कि इसके बहुत सिलसिलेवार ढंग से कंटिन्यू सारे चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो जरूर भेजिए, ताकि वो सब्सक्राइब करें, और ये चैनल जल्दी से आगे बढ़ता है, शेयर करना जरूरी है आपका। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगला टाइप 9 देखते हैं, टाइप 9 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आई बटन पे दूंगा, या फिर स्क्रीन पे दूंगा, टच करो और आगे बढ़ो टाइप 9। ये टाइप 9 देखते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, और चारों क्वेश्चन जो होगा अलग अलग टाइप का होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ, और चारों क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप से बनता है इस तरह के सवाल को। तो जो लोग नए जुड़ रहे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस चैनल पे आपको उस ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है टाइप 9 में। देखिए टाइप 9 संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 4 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है देखो क्या कहता है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लाजवाब है, और काफ़ी देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी